फाइनल ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कालरा, अनिल सिंह भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। लेकिन ठीक इस बीच आप देखें तो कोटेक के नंबर आए हैं, ये क्वार्टरली नंबर हैं। कोटेक पे आज सुबह से ही मोमेंटम था इस नंबर के बेसिस का, ठीक उससे पहले तेजी थी और अभी तक के नंबर ये कहते हैं कि इनके जो एनपीएस हैं, ग्रॉस एनपीएस, वो थोड़े घटे हैं। ये 2.3 से घटकर 2.22 रहे। साथ ही अगर आप इनकी ये मुनाफा देखेंगे, जो 1170 करोड़ रुपए का अनुमान था उसमें 1120 करोड़ आया, यानी कि अनुमान से थोड़ा कम रहा मुनाफा। मुनाफा अनुमान से कम है, वैसे ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं, ये घटकर अब 2.22 हो गए हैं ये 2.31 से। एक्चुअली ग्रॉस एनपीएस पे कई बार मार्केट ज्यादा अच्छा रिएक्शन देता है। क्वार्टर फोर में जो प्रोविजनिंग है वो 307 करोड़ रुपए की है। एक्सपेक्टेड था कि शायद 500 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग होगी, लेकिन प्रोविजनिंग थोड़ी कम हुई है, इसलिए भी शायद थोड़ा मेंटेन रख रहा है अपने आपको। ये प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज में आंकड़ा आपके सामने, ये 14% बढ़कर कम हुआ है। रही बात नेट एनपीएस की, तो नेट एनपीएस में भी हमने थोड़ा सुधार हमने बनते हुए देखा है। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के फ्रंट पर थोड़ी ठीक पोजीशन है। प्रॉफिटेबिलिटी जितनी उम्मीद थी उससे थोड़ी कम रही है और अब ये आपके सामने 1% से भी कम नेट एनपीए का आंकड़ा इसमें हो चुका, जो पहले 1% से थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के फ्रंट पे ये नंबर्स बेहतर कहे जा सकते हैं और फिलहाल शेयर्स पे थोड़ा रिएक्शन भी दे रहा है और ये करीब अब 2% ऊपर है। अनुमान से थोड़ा कम रहा मुनाफा। हफ्ते की बेहद दमदार शुरुआत और भारतीय बाजार 10,750 के बेहद करीब, मजबूत कारोबार है कल की छुट्टी के पहले। जी हाँ, कल है बाजार बंद, लेकिन उससे पहले कहीं कोई बाजार के मूड में कमजोरी का या मुनाफा वसूली का संकेत नहीं। तो आखिरी 1.5 घंटे में कैसा होगा कारोबार, इस पर हमारा खास फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। सबसे पहले इस वक्त कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे, और नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। ग्रोस एनपीए, नेट एनपीए, प्रोविजनिंग, हर एक फ्रंट पर नतीजे बाजार को पसंद आने वाले हैं। पहले फटाफट समझ ले, पूजा त्रिपाठी हमारी बैंकिंग एनालिस्ट, जिनके पास ये नतीजे। पूजा बताइए कैसे रहे नंबर्स? नंबर्स काफी अच्छे रहे। ग्रॉस एनपीए में जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2.2% के आसपास से आंकड़ा है, हम 2.3% के आसपास का आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों में ही कमी देखने को मिली है, तो ये काफी अच्छे नंबर्स हैं। और दूसरे नंबर्स की बात करें जैसे कि एनआईए फ्रंट पर, तो शानदार, माफ कीजिएगा, 25,080 करोड़ के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, तो इस फ्रंट पर भी नंबर्स हमारे उम्मीद के मुताबिक ही है। कुछ और नंबर्स की बात करें तो एनआईए जिसकी वजह से इतना अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें लोन ग्रोथ एडवांसेस में काफी अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। इस बार करीब 25% की ग्रोथ कंपनी के लोन बुक में देखने को मिली है, तो अभी तक जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो हमारे उम्मीद के कहीं ना कहीं मुताबिक है। और सबसे पॉजिटिव यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के आंकड़े जो है वहां गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अनिल जी, अगर आप मार्जिन्स के फ्रंट पे भी देखेंगे ना, वहाँ भी तस्वीर थोड़ी ज्यादा बेहतर है। 4.35% का इस बार मार्जिन उन्होंने मेंटेन किया, जो पिछली बार 4.2 था। तो एनपीएस के फ्रंट पे, मार्जिन के फ्रंट पे, लोन ग्रोथ के फ्रंट पर ये आंकड़े ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा मिस हुआ है, लेकिन उसको देखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद ये शार्प रिएक्शन देते हुए, आजकल बैंक वैसे भी एनपीएस पे ज्यादा तेज रिएक्शन देते हैं, जो कोटेक ने फिर से प्रूव किया। 2% की मजबूती, जब नंबर आए थे करीब 1% था, अब शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ 1209 पे ट्रेड करता हुआ। सेफ बैंक, स्टडी ग्रोथ, अच्छे एनपीएस के नंबर बैंक ने दिखाए हैं। लेकिन इस बीच कार्यक्रम में हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, जरा एक पूरा रोड मैप आपके सामने रखते हैं, उसके 5 बड़ी बातों के साथ कार्यक्रम फटाफट से बेहतर शेयर बताना शुरू करेंगे। 2:05 पर, यानी कि थोड़ी देर के बाद कल के इवेंट्स आपके सामने होंगे। कल हालांकि बाजार बंद है, लेकिन फेड की बैठक होने वाली है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। कल के इवेंट्स में हम जरा उसके बारे में भी बातचीत होगी। इसके अलावा 2:10 पे हीरो मोटोकॉर्प, एससीएल टेक, इंडिगो, टाटा पावर के नतीजे कैसे आएंगे, यह पूरी रूपरेखा हम आपके सामने रखेंगे ताकि आप इसमें तैयारी कर बैठे। साथ ही कॉमोडिटी बाजार का आउटलुक चेक आपको मिल जाएगा 2:20 पे। 2:30 बजे से आखिरी घंटे का एक्शन शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, अनिल सिंह की जो स्ट्रेटजी है वो आपके सामने रखेंगे। सुबह भी हमने बात बड़े ही बोल्ड तरीके से पूछी कि क्या बने रहना चाहिए, बने रहे वाली जो स्थिति थी वो आज आपके काम आ गई। आज सुबह सुबह बाजार उतना तेज नहीं खुला, लेकिन उसका तेज हुआ और शुरुआती जो गेन दे गया वो आपको पूरा मौका दिया उसने इंट्राडे प्रॉफिट बुक करवाने का। खैर, 2:30 बजे वो रणनीति को वापस रिवाइज चेक करेंगे, क्योंकि एक दिन की छुट्टी फिर से बाजार की है। 2:45 पे 3 दिग्गज एक्सपर्ट्स आपको बीटीएसटी की कॉल बताएंगे, ताकि जो परसों का ट्रेड है वो आपका थोड़ा बेहतर हो जाए। तो ये आज की पूरी रूपरेखा है। तो अनिल जी, 5 बड़ी बातें जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जरा वो भी देखिएगा। इसमें ज्यादातर समय आज निफ्टी ने 10,750 के ऊपर निकाला,
ये अच्छी बात। 25 अंकों का प्रीमियम जो आप सुबह सुबह आप नोटिस करवा रहे थे कि एक्सपायरी की शुरुआत में प्रीमियम इतना मिलता नहीं, लेकिन प्रीमियम मिल रहा है, ये अच्छी बात। बैंक निफ्टी ने 25,000 ने केवल 500 पार किया, बल्कि 25,600 को पार किया। कल बिल्कुल ऑन द एज हम क्लोज करके गए थे फ्राइडे के सेशन में, लेकिन आज का मूव बैंकिंग में सरकारी बैंकों के खेमे से जो शुरुआती टिका है वो दिन भर मेंटेन हुए और उसने बैंक निफ्टी को ऊपर ले आया। इंडिया विक्स 2.5% टूटा, ये पॉजिटिव है। 12.5 के आसपास अभी चल रहा है। सभी सेक्टोरियल ने जिसमें तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा तेजी आईटी और सरकारी बैंकों में है। इसके अलावा एचडीएफसी के जो नंबर्स भी आने हैं उससे नंबर से पहले वो शेयर भी थोड़ा सा तेज बनता हुआ दिख रहा है, तो इस पे नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल, तो ये है बाजार का अब तक का एक्शन, और एक्शन है भरपूर। और सबसे पहले एक्शन की शुरुआत कर रहे हैं फाइनल ट्रेड में। टीएस हरियर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे मुंबई स्टूडियो में ही है। शुभम अग्रवाल हमारे साथ है हमारे मुंबई स्टूडियो में, आप दोनों का स्वागत है। पहले तो हरियर साहब, आप कोटक महिंद्रा बैंक पर राय दें, क्या करना चाहिए? मजबूत नतीजे के बाद क्या यहाँ अब भी खरीदारी का मौका है या फिर फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा इंतजार किया जाए? नहीं बिल्कुल जी, मैं तो एक्चुअली ये स्टॉक पे काफ़ी पिछले एक साल से पॉजिटिव हूँ। आई थिंक 900-910 के लेवल से काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ, और मैं मानता हूँ कि आज यदि आपको एक हाई ग्रोथ बैंक चाहिए जिसके एनपीएस भी टोटली अंडर कंट्रोल है, तो आई थिंक कोटक इज़ वन सच बैंक। और आप देखोगे जो लेटेस्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आए थे, आई थिंक इनके जो नॉर्मली लो एनपीएस या 1.1-1.2 के आसपास रहते हैं वो घट के 1 के नीचे आ गया। तो आई थिंक ये एक ऐसे हालात में जहाँ पे पीएसयू बैंक्स और कुछ बैंक जैसे एक्सिस और आईसीआईसीआई के एनपीएस ऊपर जा रहे हैं, आई थिंक हम देख रहे हैं कि कोटक एक ऐसा बैंक है जो अपने एनपीएस को घटा रहा है। तो आई थिंक एसेट क्वालिटी की वजह से ये बैंक अब भी स्ट्रांग है। हाँ, आप डेफिनेटली आर्ग्यू कर सकते हैं कि पीबीवी के नज़रिए से काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर ये जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है मैं मानता हूँ वो तो चलता ही रहेगा, और आने वाले 1-2 साल में भी ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे सकता है। ठीक है, इस बीच शुभम भी है हमारे साथ। शुभम, टेक्निकली मार्केट्स को देखते हैं। शुभम, आज बैंक निफ्टी ने जो तेजी दिखाई, इसमें सरकारी बैंकों के खेमे ने जो हेल्प की है, ये कितना कॉन्क्रीट है, कितना ये 25,500 के ऊपर बने रहने की ये सिग्नल दे रहा है? गुड आफ्टरनून डिम्पी, यहाँ पे पहली बात तो ये जो कंसोलिडेशन हमें कुछ समय पहले देखने को मिला था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जिसमें हमने देखा कि काफ़ी समय से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में रहा था इंडेक्स, और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे हमें चार्ट में देखने को मिला है। तो ये बहुत ही क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम अपसाइड की बात करें तो 26,000 तक के लेवल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में बहुत ड्यूएबल है। दो रीज़न है इसका। पहला रीज़न तो ये है, जहाँ पे अगर हम ओआई का प्लेसमेंट देखें तो इस बार ओआई में कंजेशन बहुत ज्यादा आसपास के लेवल पे नहीं है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो रेजिस्टेंस है वो काफी दूर है। और दूसरा, इंडिया विक्स अगर हम देखें तो एक रेजीम शिफ्ट करके एक कंसेप्ट होता है, जिसका मतलब ये है कि जहां पे 12 से 16 का पहले विक्स चल रहा था, अब वो टूट करके नीचे का लेवल बनता जा रहा है, जो कि अगेन ये इंडिकेट करता है बेस्ड ऑन द नेगेटिव कोरिलेशन कि आने वाले कुछ समय में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें तेजी देखने को मिलेगा। तो मेरी यहाँ पे सलाह होगी कि बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे बने रहना चाहिए, 25,350 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 26,000 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे तेजी की जा सकती है। ओके, तो तेजी के साथ ही रहें, ये राय है साफ तौर पर। और इस बीच आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी आज सुबह से 25,500 के पार निकलने के बाद लगातार टिकता हुआ दिखा। एक छोटी सी डिप आई थी, लेकिन उसके अलावा एक भी बार बैंक निफ्टी ने वक्त बिताया नहीं 25,500 के, ये एक अच्छी बात है। निफ्टी ने 10,700 के नीचे बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताया, ये दूसरी अच्छी बात है। लेकिन अब आईटी शेयरों में बेहतरीन उछाल आता हुआ दिख रहा है, एक के बाद एक आईटी शेयर मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। और शुभम, ऐसे में अब यहाँ फ्रेश खरीदारी करनी हो तो कौन सा आईटी शेयर आप पसंद करेंगे? सो दो स्टॉक होगा जहाँ पे मेरी खरीदने की राय होगी। पहला लार्ज कैप में इन्फोसिस, जहाँ पे कंसोलिडेशन काफी समय से बना हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और दूसरा स्टॉक होगा हेक्साफेयर, जिसमें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हमें देखने को मिला है चार्ट पे, और आज का जो मूवमेंट है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कंसोलिडेशन के बाहर आ चुका है स्टॉक। सो दोनों में ही 4-5% का अपसाइड शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। लेवल वाइज 428 का स्टॉप लॉस रखें हेक्साफेयर में, और 460-465 तक का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और इस बीच दीवान हाउसिंग का नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा 312 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है, तो दीवान हाउसिंग के नतीजे हम आपके सामने रखेंगे कि किस तरह से नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आपके सामने दीवान हाउसिंग के भी नतीजे। कुल मिलाकर
312 करोड़ रुपए, ये है मुनाफे का आंकड़ा। तमाम आंकड़े आपके सामने आ जाने दीजिए। हमारा अंदाजा 300 करोड़ के आसपास का था, तो मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन बाकी आंकड़ों पर भी हम नजर रखेंगे। दीवान हाउसिंग का पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये आंकड़ा वो है जो आपको नजर में रखनी चाहिए, 300 करोड़ के सामने 312 करोड़। इससे पहले कि मैं बाकी आंकड़े पढ़ूं, फटाफट आपको ये बता दूं कि जो ये एडजस्टेड आंकड़ा है, और एडजस्टेड आंकड़े के मुकाबले के हिसाब से ये उम्मीद से बेहतर आता हुआ दिख रहा है। फटाफट शुभम एक बार चार्ट देख लें और लेवल्स बता दें। वायदा कारोबार का स्टॉक भी है, बड़ी तेज रफ्तार में दौड़ रहा है। कौन से लेवल अहम है इस वक्त ऊपर और नीचे के, जो ध्यान में रखे जाए, क्योंकि रिजल्ट पर बड़ा मुंह आ जाता है, तो किस लेवल के ऊपर मजबूत रहेगा, किस लेवल के नीचे जाने पर कमजोर हो जाएगा, ये बता दीजिए पहले। सो अनिल जी, यहाँ पे जो लेवल होगा, सो रेजिस्टेंस की मैं पहले बात करूंगा, 680 का ओवरऑल टारगेट होता है। काफी समय से ये स्टॉक चल रहा है, और मुझे याद है पिछले हफ्ते हमने बात किया था कि ओआई ब्रेकआउट का कंसेप्ट, जहाँ पे शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके थे, तो 680 तक के टारगेट के लिए यहाँ पे बने रहना चाहिए। और अगर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो 635 का लेवल अब बहुत ही एक अहम लेवल हो जाता है, जहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो ये ट्रेड में बने रहने चाहिए 635 का स्टॉप लॉस और 680 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये 2800 करोड़ से जो मुनाफा घटकर दिख रहा है, इसमें घबराए नहीं, बिल्कुल ये मुनाफे में जो कमी दिख रही है डिम्पी, वो कमी सिर्फ इस वजह से दिख रही है कि पुराना जो मुनाफा है 2218 करोड़ का, वो एडजस्टेड है। एडजस्ट करके देखेंगे तो मुनाफा 300 करोड़ था, और 300 करोड़ के सामने जो आया है 312 करोड़, वो उम्मीद से बेहतर कहा जाएगा डिम्पी। हाँ बिल्कुल कहा जाएगा। और आपको ध्यान होगा सुबह अविनाश भी हमारे साथ थे, वो भी कह रहे थे कि दीवान हाउसिंग पे एक बार ध्यान रखा जाए, ये नंबर्स के बेसिस पर आप इसमें घबराए नहीं, ये मोमेंटम वाला शेयर भी है, तो आज इंट्राडे गेन भी मिल रहा है, क्योंकि सुबह 1% के आसपास था, अभी 2% हो चुका है, और नंबर्स वैसे मोटा मोटी ठीक है। क्योंकि एडजस्टेड नंबर्स देखेंगे तो आपको मुनाफा उम्मीद से थोड़ा बेहतर ही दिखेगा। रेवेन्यू की फिगर भी आई है अनिल, जिसमें करीब 18% के आसपास इसका रेवेन्यू भी बढ़कर आया है, यानी कि आय के फ्रंट पर भी ग्रोथ दिखी है। ये 18% ये भी उम्मीद से थोड़ी बेहतर ही दिख रही है, तो मुनाफा और आय ये चीज है। एक और खबर भी इसके साथ जुड़ी है कि 15,000 करोड़ को जुटाने को, या रकम जुटाने को लेकर बोर्ड की अप्रूवल भी आई है। ये तीन अहम खबरें, एक तो प्रॉफिट के फ्रंट पर अच्छे हैं, आय 18% है, और 15,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं, ये खबर भी हाथों हाथ इसके साथ जुड़ती हुई दिख रही है। तो दीवान हाउसिंग पे सबसे पहले नंबर्स जी बिजनेस की स्क्रीन पर आपको फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। ये मुनाफा आपके सामने, जो कि एडजस्टेड मुनाफा है, 300 करोड़ के मुकाबले 312 हमको यहां पे आते हुए दिखा। नंबर्स ठीक हैं, शुभम की रिकमेंडेशन आपके सामने है। इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जरा जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आज के इवेंट क्या है, क्योंकि संदीप भी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप बताएंगे इवेंट्स क्या है कल के। देखिए पहले तो बात तो आज शाम को कोर ग्रोथ के आंकड़े आएंगे, उस पर आपको नजर रखनी होगी। कल तो बाजार बंद है महाराष्ट्र डे के मौके पर, लेकिन परसों जब हम खोलेंगे तो इन नंबर्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। उसके साथ साथ क्योंकि पहली तारीख है कल, तो ऑटो बिक्री के जो आंकड़े हैं अप्रैल महीने के, वो भी आते हुए दिखेंगे, उसका अनुमान भी मेरे पास है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है डिम्पी कि कल से फेड की 2 दिन की बैठक शुरू हो जाएगी। 2 दिन की ये बैठक है, और लगभग आप मान के चलिए यदि तय है कि US में जो ब्याज दरें बढ़ना है वो लगभग तय है इस बार की जो बैठक होने वाली है। तो वहाँ से क्या आउटकम आता है और आगे की कमेंट्री क्या आती है और कितनी बार दरें बढ़ती हुई दिखेंगी, इसको लेकर जो फेड की कमेंट्री वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके साथ साथ अप्रैल महीने के जो GST के आंकड़े हैं वो भी कल रिलीज होते हुए दिखेंगे सरकार की ओर से। कितने हज़ार करोड़ रुपये का राजस्व आता है GST की ओर से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें कोई कमी आती है तो शायद ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। नतीजों के लिहाज से 2 दिन है हमारे पास, तो उस लिहाज से देखें तो निफ्टी की 2 बड़ी कंपनीज है, एक तो HCL टेक और दूसरा हीरो मोटो, इनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। FNO के ट्रेडर हैं अगर आप, तो उस लिहाज से 4-5 कंपनियां हैं, एक तो टाटा पावर, FMCG में डाबर और मेरिको, उसके साथ साथ इंडिगो, सीमेंस और अजंता फार्मा, ये कुछ FNO की कंपनियां हैं जिनके नंबर्स कल आते हुए दिखेंगे। और कैश सेगमेंट में तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैं कुछ चुनिंदा नाम आपके सामने रखता हूँ। इसमें एवरेस्ट इंडस्ट्रीज है, इंडिया ग्लाइकोल है, रानी इंजन है, NFL है, गोदावरी पावर है, TBZ का एक स्टॉक है जिस पर आप ध्यान रख सकते हैं, और एक वेल्सपन कॉप। ये कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनीज है जो कि ट्रेडर्स की फेवरेट हैं कैश सेगमेंट की, जिनके नंबर्स आते हुए दिखेंगे और इसका इंपैक्ट 2 अप्रैल यानी कि बुधवार को मार्केट में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इवेंट्स आपके सामने और इसमें फेड की बैठक भी शुरू हो जाएगी। एक बार जरा फेड पे ही फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं हरिका, उसके बाद फिर थोड़ी चीज और बेहतर समझेंगे लेवल्स के हिसाब से भी मार्केट को। अनिल से भी एक बार रिकमेंडेशन लेंगे कि बैंक निफ्टी निफ्टी पे लेकर आप क्या सोच होनी चाहिए। हरी, ये कल जब फेड की बैठक शुरू होने वाली है, ये संदीप तो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट डन है कि वहां पे दरें बढ़ेंगी, इसको मार्केट ने डिस्काउंट किया है क्या?
नहीं देखिए, लगभग मार्केट ने आने वाले मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट्स जो डिस्काउंट कर दिया है, पर मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये कि इनका जो गाइडेंस कैसा रहता है, बिकॉज अब भी एक डिबेट है कि 3 होगा या 4 होगा, एक हो चुका है और मोस्ट लाइकली आई थिंक अगला जब मिलेंगे तो दूसरा हो जाएगा, तो इसके बाद आने वाले जो 8 महीने हैं उसमें एक और होगा या दो और होगा, मेरे ख्याल से दो और होने की संभावना है, पर वैसा गाइडेंस आए तो शायद ओवरऑल मार्केट्स के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अनिल जी, एक चीज आपसे भी समझनी थी, अगर ये फेड की बैठक में दरें बढ़ने की बात है और आज हम सुबह से देख भी रहे हैं कि बाजार अपने हाई पे भी पहुंचा, मेंटेन भी है, ये मार्केट पे आउटलुक क्या समझे इस समय? सिर्फ फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, जो अपनी चीजें हैं वो तो अलग से होंगी, वो हम बात करेंगे 2:30 बजे पूरी, लेकिन फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ बताएं, फर्क पड़ने वाला है कुछ? देखिए डिम्पी, वैसे तो हमें पता ही है कि फेड क्या करने वाला है, ब्याज दरें बढ़ेंगी और आगे के लिए आउटलुक का कितना ज्यादा वो उस तरह का देते हैं कि ब्याज दर हम जोर से बढ़ाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ पटरी पे, तो बेसिकली क्या है वो कब कहेंगे कि हम जोर से ब्याज दरें बढ़ाएंगे, वो तब कहेंगे जब उन्हें लगेगा कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से मजबूत हो रही है। तो अब बाजार को क्या देखना है, मजबूत इकोनॉमी में कंपनियों के रिजल्ट जो अच्छे आते हैं उसके बेसिस पर खरीदारी करें, या फिर कमजोर इकोनॉमी हो, ब्याज दरें ना बढ़ें, पैसा सिस्टम में जाता रहे, उससे बाजार ना गिरे। तो अल्टीमेटली ज्यादा बढ़िया ये है बाजार के लिए कि इकोनॉमी मजबूत हो, ब्याज दरें बढ़े तो बढ़े लेकिन कंपनियां कमाई करती रहे ताकि वैल्यूएशन जस्टिफाई हो। तो ये मैक्रो और माइक्रो का जो चक्कर है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका में भी है, तो कुल मिलाकर अमेरिका में कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, आएंगे, और अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती तो इसी दम पर बढ़ेगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से और मजबूत हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत चिंता करने की जरूरत है। हाँ, ये हो सकता है कि अमेरिकी फेड की कमेंट्री अगर जो आए उसके दम पर बाजार एक आध दिन का करेक्शन दे दे तो दे दे, लेकिन बड़ा रिवर्सल बाजार की चाल में आ जाए, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे दुनिया भर में हो, इसकी संभावना नहीं। तो एक आध दिन के करेक्शन के लिए आप तैयार हैं, बाकी डरने घबराने की जरूरत नहीं, अगर वो भी हो तो हो, शायद ना भी हो। ठीक है, वो भी हो या ना भी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी बनी हुई है। फिलहाल मार्केट की ब्रेथ भी आपके सामने चल रही है, ये करीब 35 कंपनी ऐसी है जो निफ्टी के इसमें बढ़कर कामकाज कर रही है। आज ज्यादातर हिस्सा बैंकिंग का और आईटी का ही देखने को मिला है। शुभम, जरा एक दो शेयर आईटी के आप देख के जरा समझाएं, ये हेक्सावेयर में कितनी और स्ट्रेंथ दिखती है आपको? ये 2.5% ऊपर है, 443 पे कामकाज कर रहा है। डिम्पी, अभी हमने थोड़ी देर पहले हेक्सावेयर की बात की थी, जहां पे 430 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि एक डिसेंट अप मूव के लिए हमें राइड करना चाहिए, जहां पे 465 तक का टारगेट और दूसरा लेवल होगा, 480 तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली यहां पे जिस तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है, एक कंसोलिडेशन देखा गया था चार्ट पे, जिसको हम लोग फ्लैग का पैटर्न बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और वहां से पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लगता है कि यहां पे डेफिनेटली एक ट्रेड बनाना चाहिए, बिकॉज बहुत ही क्विक मूवमेंट यहाँ से मिल सकता है। सो 465 पहला टारगेट, 480 दूसरा टारगेट, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये आपके लिए एग्जावेयर पर आए, और इस बीच हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ रही है, जो बताएंगे कि किन नतीजों पर आपको नजर रखनी चाहिए। कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, वहां पर क्या कुछ हो सकता है। तो पहले सीधे चलते संदीप के पास, संदीप के पास है पूरी लिस्ट, ऑटो बिक्री के आंकड़े किस तरह के आएंगे अप्रैल महीने के, बताएं संदीप। मजबूती जारी रह सकती है अनिल जी, और इस बार दो मेन फैक्टर्स हैं, एक तो जो पैसेंजर कार बिक्री और दूसरा सीवी यानी कि जो कमर्शियल व्हीकल बिक्री है, ये काफ़ी मजबूत रहेगी, जिससे वजह से ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। शहरी इलाकों के मुकाबले जो ग्रामीण इलाकों में ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगी, और सीवी बिक्री में एक फैक्टर ये था कि पिछले साल 1 अप्रैल से कुछ नए नियम लागू हुए थे, जिस वजह से मार्च में ज़्यादा बिक्री देखने को मिली थी और अप्रैल का नंबर काफ़ी छोटा है, तो उस वजह से 100% से ज़्यादा की बढ़त आपको आती हुई दिखेगी। पहले अगर आप फोर व्हीलर कंपनियों की बात करें तो मारुति की बिक्री करीब 6.5% के आसपास बढ़ती हुई दिखेगी, M&M क्योंकि इनका सीवी वाला हिस्सा भी है तो यहाँ पे ओवरऑल 26.5% के आसपास की बढ़त आएगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देखिए टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के नंबर्स, क्योंकि ये LCV और सीवी बिक्री काफी अच्छी बढ़ेगी। अशोक लेलैंड के नंबर देखिए 150% के आसपास की बढ़त आपको नजर आएगी, और टाटा मोटर्स भी ऑलमोस्ट 100% के आसपास की बढ़त, यानी कि 2 गुना के आसपास की बढ़त आएगी, क्योंकि बेस काफी छोटा था और सीवी बिक्री में अब जो बढ़त आ रही है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। उसके विपरीत अगर आप टू व्हीलर कंपनियों की बात करें तो शायद आपको ग्रोथ इतनी ज्यादा नजर ना आए, मिनिमम 15% हीरो मोटो की बिक्री आपको बढ़ती हुई दिखेगी, और मैक्सिमम टीवी आयशर के केस में 27% के आसपास की ग्रोथ आएगी। इस पे बजाज ऑटो पे ध्यान रखना ज्यादा अहम है, क्योंकि इनकी घरेलू बिक्री तो 6% बढ़ेगी लेकिन इनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर डेंट आता हुआ दिखेगा 7% के आसपास का, जिस वजह से नेट नेट इनकी जो बिक्री है 0.2% के आसपास की ग्रोथ ही दिखाएगी। तो दो मेन फैक्टर्स हैं, एक तो जो पैसेंजर कार बिक्री वो काफी तेजी से बढ़ेगी, और साथ ही साथ सीवी बिक्री, क्योंकि बेस काफी छोटा है तो
उस वजह से इस बार भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे साल दर साल नंबर्स काफी स्ट्रांग आएंगे। इंपॉर्टेंट है इस बार कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की ग्रोथ को लेकर। अनिल जी आपके साथ हरी भी हैं, हरी तो खैर हमेशा से टाटा मोटर्स की वकालत करते रहे हैं, एक बार हरी जरा अशोक लीलैंड पे भी आपकी रिकमेंडेशन है क्या कुछ बाय की? आज चला भी है आज तो थोड़ा नोटिस भी हो रहा है, तो हरी आपकी रिकमेंडेशन अशोक लीलैंड पे जरा 2.5 रुपए पर 150 तो हम ही नोटिस करें, 165 तक तो हो चुका है, ये और चलेगा अभी जिस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं कमर्शियल व्हीकल में? नहीं बिल्कुल डिम्पी, आई थिंक इन जैसे टाटा मोटर्स में मैं बुलिश रहा हूँ, आई थिंक मैं अशोक लेलैंड में भी काफ़ी महीनों से बुलिश रहा हूँ, और मेरा मानना है कि ये एक शुरुआत है। ये कंपनी एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन पे था, अपना बिजनेस मॉडल को ट्वीक कर रहा था, लेकिन अंडर मिस्टर विनोद दासरी ये कंपनी ने जिस तरह से अपना मॉडल को चेंज किया, जिस तरह से यू नो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स पे पिकअप हो रहा है, MCVs पे पिकअप हो रहा है, मैं मानता हूँ कि अशोक लेलैंड एक काइंड ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड में आ गया है, तो प्रॉब्ली एक फर्स्ट टारगेट हमें शायद 200-210 का देखने को मिलेगा, और अगले एक साल में शायद 250-260 भी देखने को मिलेगा स्टॉक में। ओके, और इस बीच हमारे साथ एक और वायदा कारोबार के एक्सपर्ट आशीष चतुर्मुता साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के, और नाम के वायदा कारोबार के लेकिन बाकी काम सारे कर लेते हैं, टेक्निकल वाला भी कर लेते हैं, फंडामेंटल वाला भी कर लेते हैं। तो आपकी वो पिक जो थी शुक्रवार की, वो देख के ही मैं आज मुंबई आया हूँ एक्चुअली। बॉम्बे डाइंग जरा दिखाइए, बॉम्बे डाइंग कितना बड़ा हुआ है आशीष जी? आज 9% चला है अनिल जी, सिर्फ जी, डबल डिजिट में नहीं आया, थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रहेगी जो मेरे को लग रहा है कल तक कवर अप हो जानी चाहिए। वंडरफुल, मतलब बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग मजबूत कॉल, और BTST के आपने दिया था तो जाहिर सी बात है आपकी फॉलोइंग तो है, लोगों ने खरीदा तो होगा तभी बढ़ रहा है। बिल्कुल, स्टॉप लॉस बताइए, टारगेट बताइए, क्या अभी पैसा ले लें सारा कि नया कॉल आपको देने वाले तो अभी ले लें, या फिर इसको होल्ड करें, टारगेट क्या है? नहीं जी, होल्ड करना, 350 बोले थे ना, 330-340 का ध्यान था, और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि पिछले 4 महीने से कंसोलिडेट हो रहा था, और आज जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है वो भी काफी स्ट्रांग वॉल्यूम्स के साथ हुआ है। जनरली इस स्टॉक में इस तरह का पैटर्न देखने कम मिलता है, और जब मिलता है तो मैंने देखा ये एक साथ 20-30% की जो तेजी है वो बहुत जल्द दिखाता है, तो मुझे लगता है शायद कल भी एक फॉलो अप एक्शन होना चाहिए। जो आप बोल भी रहे थे उस समय कि ये जब चलता है तो वो हमारे डिम्पी की लैंग्वेज है कि कह के चलता है, यही होता है कि मतलब जब चलता है तो 20-30% चलता हो, आप किसको मानते हैं कि कह के चलता है वो? नहीं एक्चुअली कह के चलने का मतलब है कि शेयर अपने प्राइसिंग से बता देता है अनिल जी कि ये चलने वाला है, तो उसमें जब हाँ मतलब अपने कहते ना कि शेयर की अपनी एक भाषा होती है, बस समझनी होती है, हर शेयर कुछ ना कुछ बोलता जरूर है, तो बॉम्बे डाइन बोलता भी है, तो बॉम्बे डाइन की सिर्फ भाषा समझनी है, ये कह के चलने वाला शेयर है। पहले हमने ये सुना था कि हर रंग कुछ कहता है एशियन पेंट्स वाला, लेकिन डिम्पी अब कह रहे हैं हर शेयर कुछ कहता है। अनिल जी एक और बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बॉम्बे डाइंग की बात कर रहे हैं जो अच्छा चला, बट एक स्टॉक जिस पे बहुत कन्विक्शन से बात हुआ होता PC ज्वेलर्स, आपने भी अपने कुछ टारगेट की बात की थी और हमने भी कुछ टारगेट की बात की थी, 220 का तब लेवल चल रहा था और आज देखिए 155 रुपया। ना मुझे नहीं देखना, बहुत लोगों के पैसे, बहुत लोगों के पैसे डूबे, पर अच्छी बात अनिल जी ये भी थी कि उस दिन भी हमने बात की थी कि इस स्टॉक से दूर होना ही बेहतर होगा, लगता नहीं कि लोगों ने बेचा होगा। आशीष क्या है सही बताऊं ना, ऐसे स्टॉक में पैसे लगते दुख होता है, भले हमारा कॉल सही हुआ हो लेकिन वो उसमें खुशी वाली बात इसलिए नहीं है, एक तो पता है जिन्होंने 300 मिले होंगे, 250 मिले होंगे, 350, हालांकि शुरुआत तो हमने 275 से की थी, आई थिंक हमारा प्रोमो भी बना हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने 275 280 में जब पहला क्रेक आने लगा तो हमने ये कहा कि गया, ये छोटे करेक्शन की शुरुआत है या बड़ा क्रेक आने वाला है, ये सवाल था। 60 रुपए की बात हो रही थी है ना, तो वहां से गिरना शुरू हुआ, तो देख लीजिए अगर PC ज्वेलर्स में, और आज भी सुबह हम यही बात कर रहे थे तो मेरा सवाल भी वही था, मैंने कहा कि ये आज इन्होंने जो बायबैक अनाउंस किया तो इसमें बेचना कब है, तो सिंपल यही सवाल था कि बेचना कब, ये नहीं कहा कि लेना कब, बेचना कब, बस वही सवाल था। बट देख लीजिए PC ज्वेलर्स आपको सबसे पहले कब किस वक्त बताया गया और क्या राय दीजिए। PC ज्वेलर्स इस स्टॉक में जो आज कमजोरी का माहौल बना है इसे क्या समझा जाए बंसल जी, एक नॉर्मल करेक्शन है या बड़ी गिरावट की शुरुआत? टेक्निकली काफी खराब टेक्निकल रुझान है और स्टॉक बढ़ते बाजार में भी गिरने का पोटेंशियल रखता है।
कुछ तो गड़बड़ है। पीसी ज्वेलर्स क्या करें, बेच दें इसी भाव में? और मुझे लगता है कि 100 रुपए तो बहुत जल्द होते हुए नजर आए। गिर क्यों रहा है सर शेयर, ये 75 रुपए ऐसे निकल गया? वो क्या समझ रहे हो मार्केट, पर मैं कंपनी के बारे में बात कर सकता हूँ। 275-280 पर बताते हैं कि ये स्टॉक गिरने के लिए, कमजोरी के लिए तैयार नहीं, टूटने के लिए तैयार होता हुआ दिखा है। पता नहीं अब इसमें कितने लोग बचे होंगे, कितने लोगों के पैसे लगे होंगे, लेकिन स्टॉक की चाल साफ बता रही कि हर उछाल में इसमें करनी है बिकवाली। कम से कम एक चीज है, पीसी ज्वेलर्स आप बेच तो सकते हैं, बिल्कुल वक्रांगी तो बेच भी नहीं सकते। सर्किट टू सर्किट नीचे जरा बताइए, सीढ़ियां बनी हुई होगी हर रोज नीचे की सर्किट, एक सीढ़ी नीचे एक पायदान नीचे उतरता जाता है ये शेयर वक्रांगी लिमिटेड। इसमें पूछे किसी से पूछ के फायदा भी नहीं, अब क्या करेंगे, कोई हिसाब किताब नहीं। अब नए लेवल बताई दीजिए आशीष जी पीसी ज्वेलर्स के लिए। पीसी का तो 100 रुपए का लेवल हमने उस दिन डिस्कस किया था, मुझे लगता है उसी की तरफ बढ़ रहा है। बड़े बह रहे हैं आप। नहीं अनिल जी, क्लियर होना बहुत जरूरी है और अपने दर्शकों के सामने जो हमको देख रहे हैं उनके सामने कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और ये हमने उस समय भी कहा था कि कोई पॉइंट नहीं है इसको प्रिडिक्ट करने का। मुझे याद है एक चैनल में 150 रुपए जब वक्रांगी आया और बीच में अपर सर्किट मारना शुरू किया, 200 रुपए में मुझसे पूछा गया कि अब तो बहुत अच्छी तेजी लगती है, मैंने बिल्कुल नहीं लगती और आपके पास है तो बेच दीजिए। 200 का 300 हुआ और 300 से आज वापस 99 रुपए। मेरी लैंग्वेज में फिसल पट्टी कहता हूँ ना, ये एग्जैक्टली एकदम वक्रांगी में देखिए किस तरह से फिसल पट्टी बनी हुई, बिल्कुल। जरा हो सकता है 7-1 दिन का चार्ट, अगर आप 7-15 दिन का पीसी का भी निकालें तो वैसे ही माहौल होगा, वहां पर भी इसी तरह का माहौल। शुभम आपके क्या टारगेट्स हैं पीसी ज्वेलर्स में? मैं थोड़ा और बेदम बनूंगा। अरे बाप रे। तो मुझे लगता है कि जो ये फॉलिंग नाइफ है ऑलरेडी चार्ट पे तो एकदम क्लियर दिख रहा है, हम लोग इसको और एक पैटर्न का नाम बोलते हैं खुद का बनाया हुआ, विजडम टूथ। विजडम टूथ, ओके। तो ऐसा ऐसा कहीं पे अगर मूवमेंट होता है तो हमें हाथ नहीं डालना। अक्कल दाढ़ कहते हैं। जी बिल्कुल। सो यहाँ पे कभी भी इस तरह के कोई स्टॉक में खरीदारी करना बहुत रिस्की होता है। तो अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट तो एक्चुअली नीचे पूरा ओपन है, मतलब कितना गिरेगा कहीं पे ऐसा नहीं है कि वहां पे जाके हमें खरीदारी कर लेनी है, बट मुझे लगता है 80 से 85 का एक लेवल है जहाँ पे एक बार टेम्पररी पॉज लेना चाहिए स्टॉक, बट उसका हम करेंगे क्या, यहाँ पे शॉर्ट बनाएंगे तो भी स्टॉप लॉस बहुत दूर है, तो जिनके पास होल्डिंग है वहां एग्जिट ले लेना चाहिए। 80 से 85 मुझे लगता है कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। लीजिए शुभम अग्रवाल और आशीष चतुर्मुता की रिसर्च का दम और जी बिजनेस का तगड़ा प्लेटफॉर्म। स्टॉक लगा चुका है दूसरा सर्किट नीचे का, 10% के बाद अब 15% का सर्किट। जी हाँ, ये 15% का सर्किट अब खुला है, 152.50 पे 15% का सर्किट लगा और ये सर्किट खुलने के बाद और नीचे फिसलता हुआ 150 रुपए के नीचे आ चुका है पीसी ज्वेलर्स का शेयर। बेहद 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 निराशाजनक प्रदर्शन। और एक और स्टॉक जो बेहद खराब प्रदर्शन कर रहा है आज के सेशन में वो है SREI इंफ्रा। नतीजों के बाद से बड़ी तेज मार पड़ी। और आशीष हुआ क्या इस शेयर को, क्योंकि नतीजों से पहले इतना मजबूत, सारे बाय कॉल्स खरीदो 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 और अब बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में। बिल्कुल अंजी, और अच्छी आप ये देखेंगे कि 4-5 दिन से अच्छी तेजी थी क्योंकि एनबीएफसी पूरे बास्केट में अच्छे थे, बट बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। और आज देखेंगे तो 8% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है और शॉर्ट बने, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इस रिजल्ट को यूज कोई ना कोई ट्रेडर्स कर रहे हैं अच्छी न्यूज के ऊपर एग्जिट करने का, तो डेफिनेटली मुझे लगता है अच्छा साइन नहीं है। 80 तक के लेवल्स मुझे लगता है श्री इंफ्रा में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 80 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पहले कहां 100 के ऊपर की बात हो रही थी, लेकिन पैटर्न ऐसा खराब हुआ कि अभी 84 पे है। खैर, हम बात करेंगे अब हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स की भी, इंडिगो टाटा पावर के पोल के बारे में भी, लेकिन ठीक उससे पहले जरा कमोडिटी मार्केट का आउटलुक देख लेते हैं, एक जरा चेक ले लेते हैं। मृत्युंजय है हमारे साथ बताने के लिए, बताएं मृत्युंजय इस समय कमोडिटीज मार्केट में क्या हो रहा है। बिल्कुल डिम्पी, और कमोडिटी बाजार में एक्शन तो है लेकिन नीचे की तरफ गिरावट बढ़ती जा रही है। शुरुआती दौर के मुकाबले गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ये तमाम काउंटर काफी ज्यादा टूट चुके हैं, करीब 125 रुपए नीचे है गोल्ड। सिल्वर में 180 रुपए से ज्यादा की कमजोरी है और कच्चा तेल भी करीब करीब 1.5% तक गिर चुका है। तो क्या ये गिरावट आज के कारोबार में और बढ़ने वाली है, ये बताने के लिए हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। अमित, स्वागत है आपका। क्या आपको लगता है कि आज के लिए गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में ये गिरावट बढ़ सकती है? अमित सजेजा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड का मार्केट
शुरुआती दौर के मुकाबले और ज्यादा टूट चुका है, क्या यहाँ से और गिरावट की संभावना बनी हुई है? जी नमस्कार। देखिए हल्का सा एक पुलबैक आ सकता है, बट डॉलर टर्म्स में या स्पॉट गोल्ड पे आप देखें तो कंटिन्यूस दबाव बना है बिकॉज डॉलर ऊपर आया है, तो इसके चलते मुझे लगता है शाम के सेशन में रिक्वाली हावी रहेगी। तो 3100 में मैं गोल्ड में सेल की सलाह देना चाहूंगा। 31100 के वहां पर आप रिक्वाली की राय दे रहे हैं गोल्ड में, और टारगेट है आपका 30,850 का। ये 850 का टारगेट आज ही दिख जाएगा अमित? देखिए ये हो सकता है एक से दो दिन का व्यू हो, लेकिन 31100 एक अच्छी शॉर्ट टर्म सेलिंग एरिया बन सकती है। ओके, क्रूड में भी गिरावट की रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है, और खबर यह है कि अमेरिका में एक बार फिर से उत्पादन बढ़ने लगा है, तो क्या कच्चे तेल में 4480-85 के भाव पर बिकवाली करके चलना ठीक रहेगा? जी देखिए मेरे हिसाब से टेक्निकली 4460 या $67 WTI क्रूड में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक ये नहीं टूटता है मैं यहाँ पर बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा। इमीडिएट एक बाउंस बैक के लिए इनफैक्ट बाय किया जा सकता है करंट लेवल। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका अमित इस पूरे अपडेट के लिए। तो क्रूड में 4470 के भाव पर बाइंग किया है, 4540 का टारगेट होगा। डीपी ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन आपके सामने कॉमोडिटीज मार्केट की, और इसमें बाय आप करके सकते हैं कच्चा तेल जो कि 4470 तक के प्राइसेस में आपको मिल जाएगा। भी आगे बढ़ते हैं और अब जरा ये समझ लेते हैं कि अलग अलग नंबर्स क्या कह रहे हैं। रजत हमारे साथ जुड़े हैं जो कि ये बताने वाले हैं कि इस समय डाबर के नंबर कैसे रहेंगे, साथ ही मैरिको के जो कि अभी अभी चला है। पूजा हमको ये बताएंगे इंडिगो और टाटा पावर के पोल के बारे में, और निशा हमको ये बता रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प के नंबर, एसएल टेक के नंबर कैसे आने वाले। तो रजत आपसे पहले शुरुआत करें, जब डाबर और मैरिको के नंबर्स बताएं क्या कह रहे हैं, पोल क्या कहता है? जी बिल्कुल, एफएमसीजी के लिए खास दिन रहने वाला है। डाबर 7.5% की आय में ग्रोथ देखने को मिलेगी सालाना आधार पर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2054 करोड़ ये फिगर आय की पोस्ट करेगा क्वार्टर फोर में डाबर, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग 8% से बढ़ेगा, जिसके चलते 451 करोड़ की फिगर कंपनी पोस्ट कर सकती है। सालाना आधार पर 8% का जंप है। मार्जिन बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, लेकिन मुनाफे की फिगर 10.5% बढ़ेगी। मार्जिन हम 21.9% 22% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो नतीजों में रहेगी उसमें अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर जो बिक्री होगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी डाबर के लिए, उसके क्या आंकड़े पोस्ट करती है कंपनी। साथ ही साथ विज्ञापन खर्च बढ़ने से हम कह रहे हैं कि मार्जिन जो होंगे वो उस पर फ्लैट रह सकते हैं। वॉल्यूम ग्रोथ 8.5% के आसपास डाबर पोस्ट करता हुआ नजर आएगा। मैरिको ये इंपॉर्टेंट है, 14% की आय में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मैरिको आंकड़ा जो है वो 1,502 करोड़ का कंपनी पोस्ट कर सकती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर भी 8.5% बढ़ने का अनुमान है, 273 करोड़ की फिगर कंपनी पोस्ट करेगी। मार्जिन यहां पर इसलिए घटेंगे, 18.1% मार्जिन इसलिए घटेंगे क्योंकि कोपरा के दाम बढ़े थे, उसका सीधा असर यहां पर देखने को मिलेगा, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 1% का इंपैक्ट मार्जिन पर देखने को मिल सकता है। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ यहां पर भी 6-8% की रेंज पे ही रहने का अनुमान है। मुनाफा 190 करोड़ सालाना आधार पर 11% का जंप मैरिको में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है मैरिको और डाबर, दो एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे, लेकिन दो दिग्गजों के भी नतीजे आएंगे, वो है हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही एचसीएल टेक। इनके अनुमान क्या है, कैसे रहेंगे नतीजे बताने के लिए अनीशा हमारे साथ है। अनीशा बताइए कैसे रहेंगे नतीजे? हीरो मोटोकॉर्प से तो अनुमान यही है कि नतीजे अच्छे रहेंगे। अनुमान के मुताबिक जो रेवेन्यूज है वहाँ 23% का जंप एक्सपेक्टेड है। इबिट्टा भी 32% हायर आ सकता है, और जो मुनाफे की बात करें वो तो उससे भी ज़्यादा 33% ऊपर हो सकता है। मार्जिन पे भी एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है, मार्जिनस इबिट्टा मार्जिन 16% तक एक्सपैंड कर सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ 23% एक्सपेक्टेड है, रियलाइजेशन फ्लैट रहेगी। पर क्यों बॉटम लाइन में ज़्यादा सुधार आएगा वो इसलिए है कि जो कॉस्ट है उनके थोड़े कम हो रहे हैं, कर्मचारी और अन्य लागत की कमी की वजह से मार्जिन में एक्सपेंशन होगा, प्रॉफिट में भी अच्छी बढ़त दिखेगी। और अगर हम HCL टेक के बारे में बात करें वहाँ भी जो अनुमान है वो अच्छे नतीजों के हैं। बड़ी IT कंपनीज अपने नतीजे ला चुकी हैं, और उनके बाद यही माना जा रहा है कि रेवेन्यूज HCL टेक के 3% ऊपर होंगे। अगर हम पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुनाफा भी 3% ऊपर देखा जा रहा है, मार्जिन फ्लैट रहेंगे। और हम जब अर्निंग्स आती हैं तो कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ 2.2% एक्सपेक्टेड है। ये भी एक्सपेक्टेड है कि जब मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस देगी अगले साल FY19 के लिए तो वो 8-10% होगी। अब जो बड़ी IT कंपनीज अभी तक अपने नतीजे ला चुकी हैं, इन्फोसिस ने जो गाइडेंस दी थी उससे कम थी, तो गाइडेंस अगर ये देते हैं 8-10% पे काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और ये भी देखना होगा कि मार्जिन की क्या गाइडेंस देते हैं। हमारा अनुमान है 19.5-20.5% का अनुमान देंगे वो मार्जिन गाइडेंस का,
उनके IMS का बिजनेस कैसे कर रहा है, IP में क्या परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने एक्विजिशंस की है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सब भी काफ़ी क्रूशियल रहेगा HCL टेक के लिए। ओके, तो ये है हीरो मोटोकॉर्प और HCL टेक के नतीजों का अनुमान। लेकिन इंडिगो यानी कि इंटर ग्लोब एविएशन और टाटा पावर, ये दो और इंटरेस्टिंग मिड कैप्स हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं कल, और उनका अनुमान क्या है ये जान लेते हैं पूजा त्रिपाठी से। पूजा बताइए। जी, टाटा पावर और इंडिगो के नंबर्स आएंगे, तो पहले टाटा पावर के नंबर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा अनुमान है कि मुनाफे में और बिक्री दोनों ही फ्रंट पर शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और कोयले की कीमतें जो बढ़ रही हैं उसका सीधा सीधा मुनाफा कंपनी को होगा। इसके अलावा रुपये में जो कमजोरी आई है उससे भी कोयला के सब्सिडरी को, कंपनी की एक सब्सिडरी है उससे भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात करें तो मुनाफे में जो सपोर्ट आएगा वो करीब 40% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और मार्जिन फ्रंट पर भी काफी अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं टाटा पावर के। तो कुल मिला के अच्छे नंबर्स आएंगे, और सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो यही है कि कोयले की कीमतों में जो बढ़त आई है उससे यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर इंडिगो के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर नंबर्स थोड़े सबड्यूड क्वार्टर रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ फ्लाइट्स को ग्राउंडेड कर दी गई थी इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स को, जिसका कि असर कंपनी के रेवेन्यू फ्रंट पर देखने को मिल सकता है। और इस बार जो कंपनी का रेंट खर्च रहेगा वो काफी ज्यादा पिछले 8 क्वार्टर में सबसे ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफे में काफी ज्यादा असर पड़ रहा है इस चीज का, और 15% की गिरावट मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिलेगी। और ये जो इवेंट हुआ था इंडिगो के साथ में उसके चलते कंपनी के मार्केट शेयर पर भी असर पड़ सकता है, पैसेंजर ग्रोथ के जो नंबर आएंगे उस पर भी असर पड़ सकता है, और एबिटार मार्जिन के फ्रंट पर भी असर पड़ सकता है। तो कुल मिला के एक स्लो ग्रोथ क्वार्टर रहेगा इंडिगो के लिए, लेकिन टाटा पावर से अच्छे नतीजों की उम्मीद। ठीक है, तो टाटा पावर के अच्छे नतीजे, इंडिगो का तो आप देख ही पा रहे हैं। सुबह रामदेव अग्रवाल भी यही बात कर रहे थे कि इंडिगो को आप कंसोलिडेटेड देखिए। आरती घोष, एक भले ही मामला जरूर है, एक नेगेटिव मामला था, लेकिन फिर भी इंडिगो अपने दम पर यहाँ पे चलता हुआ दिखा। एक बार हरी से भी हम व्यू ले लेते हैं। हरी, जितने भी नंबर अब तक हमने डिस्कस किए, चाहे डाबर है, मैरिको है, HCL टेक, हीरो मोटोकॉर्प, इंडिगो, टाटा पावर, सबसे बेहतर सिचुएशन आपको कहाँ पे दिख रही है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे ख्याल से जितने भी FMCG कंपनीज है वहां पे मेरे को लग रहा है कि शायद द सिचुएशन अपीयर्स टू बी द बेस्ट। देखिए, कंपनीज लाइक इंडिगो में मुझे अब भी क्रूड का काफी बड़ा एक चिंता है, कि मैं मानता हूं कि यदि $74 पे आपका ब्रेंट क्रूड है तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस एयरलाइन कंपनीज टू मेंटेन देयर मार्जिन्स। उनके CEO छोड़ के गए वो अलग बात है, उनके टेक्निकल स्नैक्स है वो अलग बात है, बट आई थिंक सबसे बड़ा मसला इंडिगो जैसे कंपनीज के लिए यह है कि $74 में वो कैसे ब्रेक इवन करेंगे। मेरे ख्याल से इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो जो कंज्यूमर फेसिंग इंडस्ट्री है, जैसे आपने कहा मैरिको, डाबर, मुझे लगता है those are the kind of stocks that we should be focusing on। ठीक है, तो मैरिको पे आप तेजी रख सकते हैं, डाबर पे तेजी रख सकते हैं, तो ये मोमेंटम आपके सामने, एक शानदार मूव यहां पे देखने को मिल रहा है। खैर, आशीष भी हैं हमारे साथ और साथ ही शुभम भी हैं। एक दो और चीज है, एक बार जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे रणनीति लेना बहुत जरूरी है, ये समझ लेते हैं आखिरी एक घंटे की। तो अनिल जी, ये निफ्टी पे, या फिर मैं बैंक निफ्टी से शुरू कर रहा हूँ एक्चुअली। आज मेरे को ना बैंक निफ्टी का इंटरेस्टिंग मूव ज्यादा दिख रहा है, 25,500 उसका 600 भी लग गया। ये बैंक निफ्टी में क्या करें, अभी वापस से एकदम से तेज गिरावट आई है बैंक निफ्टी पर, क्या किया जाए? एक बार फटाफट पहले यूरोप देख लें और अमेरिका का बाजार देख लें, तो एक अंदाजा लगेगा कि वहां पर किस तरह का कारोबार आज होने वाला है, और अमेरिका के फ्यूचर्स किस तरह से कारोबार कर रहे हैं, और यूरोप के बाजार किस तरह का कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, वो देख लीजिए, और उसके बाद मन बनाइए कि हमें बैंक निफ्टी में क्या करना है। तो पहली चीज तो ये कि कारोबार तो स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। वैसे आज एशिया के तो काफी बाजार बंद थे, लेकिन जो यूरोप के बाजार खुले हैं वो 1/4% मजबूत है। डाउ फ्यूचर्स देखिए, अब डाउ फ्यूचर्स थोड़ा थोड़ा तो मजबूती के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखा था। जो आखिरी बार मैंने देखा तो लगभग 100 पॉइंट ऊपर नजर आ रहा था मुझे डाउ फ्यूचर्स। तो एक बार डाउ फ्यूचर्स देख लें इस वक्त किस तरह का कारोबार है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां पर तेजी है या नहीं। जी हाँ, 85 पॉइंट ऊपर है, तो ग्लोबल मार्केट से संकेत ठीक है। अब बचे हुए समय के लिए 25,500 आपके लिए निर्णायक लेवल है। क्यों है? 25,500 के पुट में लगभग 5-6 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और 25,500 के कॉल पे 4 लाख शेयरों का, यानी कि लगभग बराबरी का मामला। तो ये निर्णायक लेवल है, रस्सा कशी वाला लेवल है। लेकिन अगर हम 25,500 के नीचे टिके भी रहे, जो कि अभी इस वक्त दिख रहा है, कितना कमजोर होंगे,
25,400 इसके नीचे जाना मुश्किल है, और ऐसी सिचुएशन में अगर 25,400 के आसपास आए तो एक बार ये आपको खरीदारी करनी चाहिए बैंक निफ्टी में, ये मेरी राय है। 25,500 के ऊपर फिर से टिक गए तो आपको खरीदारी करनी चाहिए वापस 25,600 तक के टारगेट के लिए, वो फिर आज का आज मिले ना मिले आपको परसों का इंतजार करना चाहिए। तो आपको करनी तो खरीदारी है, अब लेवल डिसाइड करना है डिम्पी की, वो लेवल क्या होना चाहिए। तो या तो 25,425 की रेंज में मौका मिले वहां खरीद ले, और एग्रेसिव ट्रेडर हैं अभी खरीदना चाहें तो 25,400 का स्टॉप लॉस लगा ले, 25,575 तक के टारगेट के लिए वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। तो एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अभी स्टॉप लॉस लगाकर खरीदें, और आप आराम से शांति से बिना रिस्क के खरीदना चाहते हैं तो 25,425 की रेंज में खरीदें, खरीदना ही है बस। ठीक है, खरीदना ही है। अच्छा, बात निफ्टी की भी सर, जरा निफ्टी के बारे में भी राय रखिए कि निफ्टी में इस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि आज सुबह से बुलिश ट्रेंड तो बना हुआ है, एकाएक थोड़ी कमजोरी 700 तक धक्का धकेल सकती है, क्या हमको 700 पे बाय करना है? बिल्कुल 100%, 10,700 आए तो खरीदना ही चाहिए, और 10,700 इतना आसानी से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 10,700 के पुट में आज 6,00,000 शेयर जुड़े हैं, 18,00,000 शेयरों का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, 10,700 के कॉल में 24,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, जो कि आज सुबह से परेशान है क्योंकि एक भी बार उस लेवल के नीचे जाने के संकेत दिए नहीं है, और जैसे आप 10,700 के नजदीक पहुंचेंगे तो कुछ कॉल राइटर्स तो ऐसे होंगे जो अपनी पोजीशन को कवर करने की कोशिश करेंगे कि चलिए हमारे भाव के नजदीक आया तो काट लें, शॉर्ट को कम करें, तो ऐसे में मुझे समस्या नहीं लगती कि हम बहुत नीचे जाएंगे, 10,700 के आसपास आए। अगर सिर्फ आज के लिए आप खरीदारी कर रहे हैं तो 25 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 25 पॉइंट ऊपर तक के टारगेट के लिए, और अगर आप बुधवार तक के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो 10,700 पे खरीदिए, 10,650 आपका क्लियर कट वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है, वापस से 10,750 10,775 आपको मिल सकता है। तो दोनों ही स्थिति में चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, मामला क्लियर कट है डिम्पी खरीदारी करने का। और ये जो गिरावट दे रही है, देखिए बाजार की चाल ऐसी हो गई है ना, अब किसी भी लेवल से आपको 75 पॉइंट से ज्यादा का करेक्शन निफ्टी में मिलेगा नहीं, उतना करेक्शन में ही आप संतुष्ट हो जाइए और खरीद लीजिए, बड़े करेक्शन की उम्मीद मत कीजिए, और बैंक निफ्टी में वही 150-200 पॉइंट का करेक्शन हो गया तो बहुत बड़ी बात है, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, तो करेक्शन छोटे ही मिलेंगे और उन छोटे करेक्शन में खरीद लेना है बस। अनिल जी, एक फेड की बैठक है, कल बाजार की छुट्टी है, मैं सीधा फ्यूचर ना लेके कोई ऑप्शन का सौदा भी देख सकता हूँ? मैं सीधा फ्यूचर लेने से थोड़ा बचना चाहता हूँ, तो क्या ऑप्शन के जरिए एंटर करूँ? इरादा तो आपका सही है, लेकिन फिर ऑप्शन कौन सा खरीदना है, तो मैं आशीष जी और शुभम जी दोनों ही हैं, उनसे पूछ लो, एक निफ्टी का बता दें, एक बैंक निफ्टी का बता दें। आशीष जी आप कौन सा बता रहे हैं? अनिल जी निफ्टी का ही करते हैं। आप बैंक निफ्टी का, शुभम जी तब तक ढूंढ के रखें, निफ्टी का ऑप्शन खरीदना है डिम्पी को बताइए सर। देखिए जैसे कि अभी आपने कहा 10,700 के पुट में काफी राइटिंग है, तो ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि 10,700 ही टूटना मुश्किल है। 10,700 टूटेगा तो शायद मैं थोड़ा वरीड हूंगा, क्योंकि पुट राइटर्स थोड़े से उसमें बैकफुट पाएंगे, तो मुझे तो लगता है कि 10,700 के लेवल्स भी शायद ब्रेक ना हो। अब 10,700 ब्रेक नहीं होगा तो 10,720 का ही स्टॉप लॉस लगा के आइडियली पोजीशन बनाई जा सकती है। पुट कॉल ऑप्शन की जहां तक सवाल है, तो मेरे हिसाब से स्लाइटली आउट ऑफ द मनी 10,800 की कॉल ऑप्शन लेके जाना चाहिए, और उस पर टेक्निकली जो स्टॉप होगा वो 10,720 के लेवल का होगा। 800 का कॉल कितने में मिल रहा है? ये थोड़ा सा देख सस्ते ही होगा, ज्यादा आउट ऑफ द मनी नेक्स्ट नहीं, पर ये सीरीज का है ना, तो 170-170 क्योंकि अभी सीरीज शुरू हुई है। अच्छा, 5 हफ्तों की पूरी लंबी सीरीज है, पैसे बहुत लग रहे हैं। बिल्कुल, और सस्ता वाला नहीं है। बहुत डीप आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा, 10,900 वाला वो पॉइंट नहीं है। आप 10,800 का पुट लीजिए और उस पर 10,720 निफ्टी का स्टॉप रखिए। 10,720 निफ्टी में टूटता है फ्यूचर का अगर से 720 के लेवल 770 50 पॉइंट का, तो वो तब तक आपकी कॉल जो है वो 25-30 रुपए गलेगी, तो बेसिकली आप 30-35 रुपए का स्टॉप लॉस रखें उस कॉल ऑप्शन। शुभम आपकी क्या राय? अनिल जी पहले तो मैं निफ्टी के बारे में कुछ एकदम इम्पोर्टेंट कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि मुझे लगता है कि ट्रैक करना चाहिए। सो अगर हम कभी भी ओआई प्लेसमेंट देखें हर महीने का, अगर ओआई करंट लेवल के बहुत आसपास में प्लेस्ड है, इसका मतलब ये होता है कि बाजार में ऑस्किलेटिंग मूव आने वाला है। मतलब अगर करंट लेवल के आसपास में बहुत सारा कॉल राइटिंग हुआ है, बहुत सारा पुट राइटिंग हुआ है, इसका मतलब था कि मार्केट ऑस्किलेटिंग होने वाला है, जो कि हमने अप्रैल सीरीज में देखा। ऑस्किलेटिंग का मतलब क्या? साइडवेज रहेगा, कोई बड़ा मूवमेंट यहीं पे रहेगा, तो राइटर्स राइट करके आराम से पैसा बना सकते हैं। अच्छा, तो बायर के लिए मुश्किल है पैसा बनाना, बायर के लिए मुश्किल बहुत लग रही है। अच्छा, मैं वही तो कह रहा था आशीष जी को, बहुत बड़ा महंगा 170 रुपए देना, वो भी 10,700 वाले का थोड़ा। अच्छा, तो आपका पॉइंट वही है, राइट? सो एक तो ये हो गया, तो अगर हम लोग करंट मंथ का ओआई देखें तो काफी दूर प्लेस्ड है, जिसका मतलब है कि मई में मार्केट डायरेक्शनल मूव देगा, पहला ये देगा। सो पहला ये, दूसरा मतलब डायरेक्शन तो ऊपर का ही है, डायरेक्शन तो यस, तो ऊपर का ही है, तो ऊपर को मैं बताता हूँ कि क्यों है।
ठीक है. सो वोलेटिलिटी इंडेक्स जो हम देखते हैं विक्स हर एक आदमी बात करता है मीन रिवर्जन का कि 9 से लेकर के 24 तक जाएगा, फिर 24 गया तो फिर धीरे धीरे नीचे आएगा. बट मैं थोड़ा अलग तरह से देखता हूँ. जब मार्केट में मंदी होता है तो विक्स का लेवल 15 से लेकर के 23-24 के बीच में रेंज करता रहता है. Correct. जिसका मतलब है कि मार्केट में मंदी है. राइट. 12 से 16 का रेंज में अगर विक्स रहता है उसका मतलब है कि डरा हुआ है मार्केट. अच्छा. और साइडवेज रहेगा थोड़ा टाइम के लिए, कोई एक ट्रेंड को एब्जॉर्ब करना चाह रहा है. ठीक है. अगर आप कुछ समय से देखें विक्स लेवल टूटना चालू हो गया और अब 9 से 13 का ये बैंड में ये घुसता जा रहा है, जिसका मतलब ये होता है आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि 11-200 भी अगर पार कर जाता है आई विल नॉट बी सरप्राइज. अरे वाह, आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर. मतलब शुभम जी फिर तो पार्टी देनी पड़ेगी आने वाले समय में. मतलब क्या आने वाले समय में? मतलब मैं तो 1-2 महीने का ही बात कर रहा हूँ. ऑप्शन ट्रेडर तो सब्जी है ना, सब्जी खरीद रहे हैं, 2-3 दिन में तो सड़ जाएगा, वैल्यू ही खत्म हो जाती है. एग्जैक्टली. तो मई महीने में ना. बिल्कुल, मई महीने में ही होगा. अगर मई महीने में मूव नहीं आएगा तो फिर मतलब मई महीने में अगर 11-200 हो गया तो मेरी तरफ से आपको पार्टी. बिल्कुल. और उसके गवाह रहेंगे हमारे आशीष जी साथ में है तो इनके भी साथ साथ में हो जाएगी. लेकिन वाकई में इतना तगड़ा मूव दिख रहा है आपको. डेफिनेटली. इसमें एक चीज और ऐड करूंगा. देखिए मैंने फ्राइडे के दिन बोला था कि थोड़ा सा कॉशियस था, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं. क्योंकि 61.8% रिट्रेसमेंट 10,720 पे आता है. ठीक है. जो तेजी हुई वो 11-200 के आसपास से मंदी 9950 तक आई. तो ओवरऑल इसका जो 61.8% रिट्रेसमेंट है वो 10,720 पे आता है. 10,720 को हम डिसाइसिवली अगर आज इसके ऊपर क्लोज करा तो आप सैटिस्फाइड हैं? तो सैटिस्फाइड है. ये मैं कह रहा हूँ कि इसलिए ये जो कह रहा शुभम उसको ही मैं वाउच कर रहा हूँ कि अगर से 10,720 के ऊपर हम टिकते हैं इसका मतलब ये पूरी जो सेलिंग है एब्जॉर्ब हो चुकी है. और टिक गया तो फिर आपके लिए नया हाई या ऑल टाइम हाई ही नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए. तो चलिए 10,720 के ऊपर. उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड है. 10,650-700 जो आप अभी कह रहे थे उस पूरे ऑल टाइम हाई के लिए इतना सा स्टॉप लॉस. छोटी बात मत करिए, सुनिए. अगर 10,750 के ऊपर क्लोज हो जाए आज तो नहीं, तो मैं कह रहा हूँ 11,100-11,200 की तैयारी है बाजार की फिर तो. वाह. अच्छा एक चीज और जब आप दोनों इतना बुलिश है सब कुछ है सब मुझे है ना, खाली स्टॉप लॉस बता दीजिए. निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर किस लेवल के नीचे बंद हो तो मुझे मूड बदलने की जरूरत है तेजी से. मेरे हिसाब से तो अनिल जी 10,650 रखूंगा मैं. 10,650 क्योंकि 700 पे पुट राइटिंग और 650 के बाद उसमें मैं थोड़ा सा आप देखो तब तक शुभम आप बताओ. बैंक निफ्टी का लेवल मेरा होगा 25,350 के नीचे बंद होगा तो ही खराब है. तो ही खराब है. और निफ्टी का लेवल में 10,600 का लेवल अगर टूट जाता है तो ये व्यू में हम लोग थोड़ा समय के लिए फिर वेट करना चाहिए. 10,600 आपका 10,650 आपका 10,650 और बैंक निफ्टी 25,400. चलिए तो चलिए आपको पूरा ज्ञान मिल गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में. अब बिल्कुल कंफ्यूजन रखिएगा मत. लेकिन ये तो ज्ञान हुआ पूरी सीरीज के लिए. लेकिन आपको तो अभी अभी अगर कमाई करनी है तो फिर आपको चाहिए BTST. बिल्कुल. बाय टुडे सेल टुमारो. और तानिया हमारे साथ जुड़ चुकी है ये तमाम BTST कॉल्स लेकर. तानिया सारे बाय कॉल्स ही है ना? जी, ज़्यादातर खरीदारी की कॉल्स हैं. एक SBD का खिलाड़ी ज़रूर आया है. और हफ्ते की जो शुरुआत है वो बहुत ही पॉजिटिव फ्रंट पे हुई है, इसलिए जो कॉल्स हैं वो सारी खरीदारी की हैं. सबसे पहले इसमें शुरुआत कर लेते हैं सिमी भौमिक के रेकमेंडेशन से. उन्होंने सबसे पहले चुना है जेट एयरवेज को. बहुत अच्छी तेज़ी ऑलरेडी देखी जा रही है और इनका ये मानना है कि 669 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं. स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए 640 तक का. इसके अलावा इनकी जो दूसरे पिक है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स में आई है. यहाँ पे इनका मानना है कि 3655 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं अगले सत्र में. और स्टॉप लॉस आपको इसमें लगाना है 3570 का. इसके अलावा अगर मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापुरिया जी के रेकमेंडेशन की बात करें तो अगर आपको ऑटो स्पेस पसंद है तो इनकी सबसे पहली पिक जो है वो TVS मोटर्स है. यहाँ पे आप खरीदारी करके बिल्कुल चल सकते हैं. 680 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं. स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए 660 का. इसके अलावा जो इनकी दूसरी पिक है वो IRB इंफ्रा है. ये भी आज डे हाई के करीब ट्रेड कर रहा है और इनका ये मानना है कि आप खरीदारी करके बिल्कुल चल सकते हैं. इसमें 288 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं. स्टॉप लॉस लगाइए 270 का. और आखिरी की जो दो कॉल्स हैं उसमें सबसे पहले मैरिको को चुना गया है और नतीजों से पहले बहुत बुलिश नज़र आ रहे हैं अजीत मिश्रा जिनसे हमारी बातचीत हुई. तक के स्टॉप लॉस लगाइए 325 का. और हमारी एक और इकलौती STBT पिक जो है वो कोल इंडिया है. यहाँ पे बेरिश नजर आ रहे हैं. बिकवाली करके आप इसमें चले 275 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं. स्टॉप लॉस लगाइए 290 का.
ठीक है 275 तक का टारगेट है। वैसे भी जी कोल इंडिया में तो खबर ये भी आ रही है कि सरकार इसमें कुछ हिस्सेदारी बेचना चाहती है, 5-10% के आसपास हिस्सेदारी बेची जाएगी, ये कोल इंडिया पे न्यूज भी है। आज शेयर थोड़ा ढीला भी है, कमजोर भी है, और 275 तक के टारगेट यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन दो सुनिए ना, अभी 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 विनिवेश सचिव का बयान फिर से आ गया कि कोल इंडिया में हमारी हिस्सेदारी बेचने की कोई योजना नहीं, उन्होंने खंडन भी कर दिया। वो अलग बात है कि शेयर बढ़ानी है, लेकिन ये शेयर तो है ना 300 के आसपास परफेक्ट सेल हो जाता है। जब भी 300 आए बेच दो, 230-25 आए खरीदो, परफेक्ट रेंज है ना यही शुभम? बिल्कुल अनिल जी, 295-300 का रेंज, चार्ट देखने का जरूरत ही नहीं है, मैं खोल भी नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वही रेंज आता है कोल इंडिया में बेचने के लिए। बिल्कुल, तो ये एकदम क्लियर कट शॉट है। धर्मेश कांत को पूछते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेश, क्या राय है आपकी कोल इंडिया पर? अनिल जी, लेवल्स तो आपने बताई दिया है, और पिछले अगर 5-7 साल का कोल इंडिया का हम लोग ट्रेडिंग पैटर्न देखें तो इसमें अगर निवेश जो करते हैं उनको दो ही चीज मिलता है, 230-240 के आसपास आप बाई कर लो, 10-15% का एक अपसाइड स्टॉक मूवमेंट मिलता है, और बाकी डिविडेंड में काफी अच्छा यील्ड मिल जाता है 8-10% का, तो वो लेकर के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपने टाइमिंग ठीक रखा कोल इंडिया पे 230-240 के आसपास बाई करने, तो एनुअलाइज रिटर्न आपको अराउंड 18-20% का मिलता है। उसके अलावा जहां तक फंडामेंटल्स का सवाल है कि इनकी प्रोडक्शन को लेकर के है या क्वालिटी को लेकर के, तो वहां पर कोई खास इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट है नहीं, एंड गोइंग फॉरवर्ड विल बी द टाइम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सो कोल इंडिया के लिए तो परेशानियां बढ़ेगी आगे जाकर के। एनसीसी पे भी ले लेंगे। और इस बीच एक स्टॉक ऐसा है जहां पर जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है, और पिछले कुछ मिनट IRB इंफ्रा ये आपके सामने लेकर आते हैं, 5.5% का बड़ा उछाल स्टॉक में आया है। देखिए क्या रफ्तार से भाग रहा है, क्या हुआ इसको अचानक से? और ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया 26 लाख शेयरों का, लगभग 14% ओपन इंटरेस्ट। माय गुडनेस, इस स्टॉक में क्या हो गया अचानक से? आशीष जी, अनिल जी, बहुत बड़ी तैयारी में है, क्योंकि आप इसको समझे 2014 के हाई तो इसकी 248-250 के ऊपर ही हो गई थी। हाँ, वो तो बिल्कुल हो गई थी, और अब आज 5 साल का हाई क्रॉस हो रहा है। 5 साल का 2014 का हाई था करीब आपका 285 का, जिससे हम 2-3 रुपए बाकी रह गए। जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे कम से कम 320-325 की तेजी IRB इंफ्रा में देखने को मिल सकेगी, और इसका बेस्ट वे इसको प्ले करने का इस सीरीज में अगर आप करना चाहते हैं 285 या 290 की कॉल ऑप्शन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ट्रेडिंग में हो सकता है 4-5 रुपए फ्लक्चुएशन हो, पर कॉल ऑप्शन आप लेके रखेंगे तो मुझे लगता है इस सीरीज में अच्छे खासे गेंस इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। अच्छे खासे से मतलब क्या? अच्छे खासे को मैं कैसे पता लगाऊं? मैं आपको बोलता हूं 285 का कॉल। एक मिनट, हमारे जो डिम्पी है ना वहाँ पे, उनके लिए अच्छे खासे का मतलब है दिन के दौरान 10%। क्यों डिम्पी, सही है ना? नहीं अनिल जी, मैं तो समझता हूँ ऑप्शन आप ले रहे हैं, और अगर से आपके ऑप्शन डबल नहीं होती तो देयर इज नो पॉइंट, तो 285 का जो कॉल ऑप्शन है वो मुझे लगता है इस सीरीज में डबल हो सकती है। ओके शुभम, मुझे भी लगता है यहाँ पे जो मूव आया है, जैसा कि बताया इन्होंने कि 4 साल का कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई चीज ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली मूव बहुत बड़ा है, और हम बात कर रहे हैं स्टॉक चलता ज्यादा है, तो मुझे लगता है 284 हो गया। ओह माय गॉड, सो भागता ही ज्यादा है। मुझे लगता है यहाँ पे बाई पोजिशन बनाना चाहिए। मैं भी एग्री करूंगा 325-330 का टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रखे 273। वंडरफुल, तो दौड़ लगा रहा है, और सही वक्त पर आपको बता दिया है कि ये दौड़ लगाने को तैयार। लेकिन एक और स्टॉक BTST के लिए आज से आशीष जी ने ढूंढा है। आशीष जी बताइए अपना शेयर। देखिए, इसके साथ में आप IRB के साथ करना चाहे तो NCC भी इसका पीछे पीछे चलेगा। मुझे लगता है बहुत अच्छे मूव की तैयारी में ये स्टॉक भी बन चुका है, और इसमें भी बहुत लंबा कंसोलिडेशन, लेकिन पोजीशन अभी बनी नहीं है आशीष जी, आपके बोलने के बाद ही बनेगी। अब ठीक है, उसके बाद बनेगी तो भी ठीक है। ओवरऑल मैं तो इसको काफी समय से कह रहा हूँ, उसका रीजन है ये 2010 में इसका ये हाई था 132-134 के आसपास का, जो अब क्रॉस होने की तैयारी हो रही है, तो ये स्टॉक तो 8 साल का कंसोलिडेशन निकालने की तैयारी कर रहा है। अच्छा। और जब ये इस तरह का हाई निकलेगा कम से कम 180 रुपए के टारगेट्स इसमें पोजिशनली देखने को मिलेंगे, और इस सीरीज में मेरा ध्यान है 145-148 ये रेंज देखने को मिल सकती है। इसमें प्लेन वनीला फ्यूचर्स में भी पोजिशन बना सकते हैं, 129 का स्टॉप लॉस इसके अंदर में लॉन्ग साइड पर रखना होगा। खाली 2 रुपए का स्टॉक लो, बिल्कुल, और 145 का टारगेट, बिल्कुल, ऐसे आदमी चाहिए देश को, बिल्कुल, जो रिस्क ले 2 रुपए की आए तो 15, मजा आ गया आशीष जी, ये बढ़िया है। अच्छा, ये तो आप पूरी सीरीज का बोल रहे हो, कल ही कमाई करनी है बुधवार सुबह सुबह, तो उसका तो बताओ। BTST है, NCC, बस बढ़िया। तो डिम्पी अब तो खुश है ना, देखो बड़े बड़े टारगेट आपके लिए निकलवा रहा हूँ सारे यहाँ बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल,
बिल्कुल खुश हूँ सर, बड़े बड़े टारगेट भी अच्छे लग रहे हैं और शेयर भी अच्छे लग रहे हैं। एक शेयर जरा हम भी इधर से बता रहे थे दिल्ली से मुंबई की तरफ में, वो है फेडरल मुगल का शेयर। आपको ध्यान है कि ऑटो के सेल्स के नंबर आने वाले हैं और ऑटो से ही जुड़ी हुई एक्चुअली एक कंपनी है, और आपको ध्यान है आपने एक दो दिन पहले भी इसके बारे में बात की थी। आज सुबह ना मेरे से मिस वाली कैटेगरी में चला गया, आज मेरे से मिस हो गया शेयर, नहीं तो मैं तो सुबह सुबह बताता जरूर। अभी भी लेकिन ये कम नहीं है, शायद अभी भी चल जाए क्योंकि 4% ही चला है। एक बार मैं आशीष से पूछूंगा ये शेयर के बारे में। आशीष जरा आप इसके बारे में बताएं, ये मिस वाली कैटेगरी में तो नहीं है? नहीं नहीं, मिस की कोई बात नहीं है, आप ये चलेगा अच्छा, और इसके अंदर में आपको ऊपर में मेरे ख्याल से 540 तक का मुंह देखने को मिल सकता है। पर एक बात ध्यान रखना होगा, इलिक्विड है थोड़ा नेचर इस स्टॉक का। आज भी आप देखिए कुछ 30,000 शेयर हुए, तो वो ध्यान रखिए कि कोई बड़ा ट्रेड इसमें कर नहीं सकते, बट डेफिनेटली प्राइस पॉइंट से 530 तक का अपमूव मुझे इसके अंदर में नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, तो चलिए ये राय है इस वक्त आपके लिए। और इस बीच एक और स्टार परफॉर्मर जो लगातार तेज दौड़ लगा रहा है वो है यस बैंक। नतीजों के बाद ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मेश, यस बैंक खरीदें या कोई और दूसरा प्राइवेट बैंक जो आपको लगता है वहां ज्यादा पैसा बनेगा? नहीं, यस बैंक भी खरीदना चाहिए, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस तो अट्रैक्टिव है ही, इंडसइंड बैंक काफी अच्छा रनअप दे रखा है, बट मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी उसमें काफी स्कोप है। यस बैंक के नतीजे तो काफी स्ट्रांग थे और एसेट क्वालिटी इम्पेकेबल रहा इनका शुरू से। हालांकि हमेशा एक डाउट किया जाता है कि एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगी, बट बैंक हैज बीन एबल टू मैनेज इट। और इनका जो फोरे हो रहा है रिटेल में, अगर आप यस बैंक के अंदर डे टू डे ऑपरेशन का कामकाज देखें तो हर इम्प्लॉई 18-19 घंटे काम कर रहा है यस बैंक के अंदर। सो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहे हैं उनके सॉफ्टवेयर को लेकर के, रिटेल रीच को लेकर के, इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में भी काफी अच्छा फोरे कर रहे हैं। सो जो कॉर्पोरेट साइड का इंटैक्ट था ही था, अब साथ में आपको रिटेल भी एडिशन होता जा रहा है, इसलिए आपको 30-35% के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मेरा खुद का अनुमान है कि आने वाले 2-3 साल में 20-25% तो AUM ग्रोथ रहेगा और पैट ग्रोथ आपको 30% के आसपास मिलेगा। तो 4x प्राइस टू बुक FY20 के हिसाब के जो मल्टीपल्स हैं वो भी इसको रीडेट होकर मिलने वाले हैं। तो 450-500 का प्राइस टारगेट एक साल के नजरिए से निकल के आता है। तो यस बैंक तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए, कोई भी गिरावट आए तो यस बैंक बाई करना चाहिए। इट्स अ यस फ्रॉम माई साइड, से यस टू यस बैंक, ये कह रहे हैं धर्मेश। और इसकी रफ्तार 135 हो गया, एनसीसी भागे जा रहा है क्या बात। अच्छा बाय द वे आशीष जी, आपके शेयर कितना भी भागे लेकिन सुबह जो सबसे पहले हमने पहला शेयर जो आज चुना वो था रेपको होम फाइनेंस, और वो आज का चार्ट पे टॉप गेनर है। 9% का उछाल आ चुका है रेपको में, और सुबह हम यही बात कर रहे थे कि देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए एक राहत की खबर आई है, और वो ये कि ECB के जरिए ये पैसा जुटा सकते हैं विदेशी बाजारों से, यानी कि सस्ता कर्ज लाएंगे तो सस्ते लोन देने में आसानी होगी। और उस खबर के बाद ये स्टॉक का भागा। पहले आपको बता दूं, आप तो सुबह थे नहीं ना शो में, आइए देखिए। एक स्टॉक और है जो मेरे रडार पर आ रहा है, रेपको होम फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ECB के जरिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के जरिए फंड्स उगाने की अनुमति दी जा रही है। ये है वो बड़ी खबर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए बेहद बेहद काम की है। नई खरीदारी 625 के ऊपर सस्टेन करे तो करना चाहिए 664 के टारगेट के लिए। जिस स्टॉक का जिक्र आज सुबह सुबह हमने किया कि देखिए किस तरह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ECB के जरिए पैसा उगाने को छूट मिल सकती है, और रेपको होम फाइनेंस एक स्टार परफॉर्मर हो सकता है स्टॉक, 9% के उछाल के साथ ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक चुना है आशीष जी ने, जहां पर जमकर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, और ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ खरीदारी भी कर ली जाए क्या? CG पावर, प्रॉम्प्टन ग्रीव्स पावर, ये स्टॉक है जो 5% मजबूत है, लेकिन इतना ही ओपन इंटरेस्ट घटा है 9 लाख शेयरों से। फंस गए हैं शॉर्ट सेलर्स, साफ फंस गए। कल 85 से 77 और आज 85 क्रॉस हो रहा है, और कल जिस तरह से बिल्डअप था उसको देखते हुए लगता है कि अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो कम से कम 89 से 91 तक की रेंज इसके अंदर दिखा सकती है। ट्रेड अगर से आपको लेना है थोड़ा सा फास्ट ट्रेड होगा, पर फिर भी 83.50 का एक स्टॉप लॉस लेके ये ट्रेड लिया जा सकता है। 89 का टारगेट, 89 कब तक? ये तो 2-3 दिन में होगा क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का टारगेट है।
माय गॉड. ओके शुभम, दिख रहा है आपको दम? मैं सिर्फ एक कंडीशन ऐड करूंगा. फ्यूचर के प्राइस में 84.50 का भाव चल रहा है. 85 के लेवल के लिए फ्यूचर का, फ्यूचर ही बता रहे हैं. 85 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो मल्टी डे हाई के ऊपर चला जाएगा. तो मुझे लगता है कि फिर वहां पे हमें थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाएगा यहां से स्टॉक चलने का. उसके बाद 90 रुपए तक का टारगेट मुझे भी लगता है ड्यूएबल है. और जो स्टॉप लॉस रखा जा सकता है वो होगा 82 का. तो 85 के ऊपर टिक जाना चाहिए बस. चलिए तो 85 के ऊपर फ्यूचर में. फ्यूचर में तो, और फ्यूचर में अभी है मेरी स्क्रीन पर 84 हाफ के आसपास. राइट. अच्छा 85 टच करके आया है. 85 ये आप दोनों ने मिलके 85 के पार निकलने नहीं दिया. ओके लेकिन 85 के पार निकलेगा तो फिर रुकेगा नहीं, फिर सीधे 5 रुपए मिलेंगे. तो आप ध्यान रखिएगा भाई, बाद में हाथ से निकल जाए ऐसा बोलना मत एकदम. तो ये स्टॉक कभी भी तेज दौड़ लगाने को तैयार है. डिम्पी बिल्कुल. अनिल जी एक शेयर और है जिसके बारे में लगातार कई दिनों से बातचीत कर रहे थे, वो था एस्कॉर्ट्स. ये ऑटो के सेल्स के नंबर से पहले देखिए 1000 का आंकड़ा इसने वापस पार कर लिया. पहले रिपोर्ट आई थी 850 जाएगा, जब 850 पे था तब 1000 जाएगा, अब 1000 भी हो चुका है. हरीश पे आपके रिकमेंडेशन क्या है? एस्कॉर्ट्स ऐसे चलता रहेगा क्या? नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये स्टॉक अराउंड 200-220 के आसपास एक रैली शुरू हुआ है. और यू नो जिस तरह से ये कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रीमलाइन किया है, जिस तरह से इन्होंने अपने प्रोडक्ट मार्जिन्स को बढ़ाए हैं पिछले आई थिंक 6-7 क्वार्टर में, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यू नो देयर कुड बी इंटरमीडिएट करेक्शंस, बट जो भी डिप होगा ये स्टॉक को खरीदना चाहिए. मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में शायद दूसरा एक आयशर की तरह एक स्टॉक बन सकता है. प्रॉबेबली यू नो शायद उस हिसाब का अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, पर आई थिंक इट कुड बी अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म प्ले ऑन द इंडियन एग्री मार्केट. तो कोई भी डिप मिले आपको डेफिनेटली ये स्टॉक एक्यूमुलेट करते जाना चाहिए. ठीक है अनिल जी, वैसे ना कल इवेंट है, कल छुट्टी भी है, उसके बाद एफएड की बैठक है. एक शेयर हमने निकाला, जरा मैं उसके बारे में समझना भी चाहूंगा और एक आशीष से रिकमेंडेशन भी लेना चाहेंगे. आशीष वो है पीएनबी गिल्ट का. जरा ये शेयर देखिए, फेड की बैठक से पहले इन्होंने थोड़ा एक्टिव हो जाता है. अभी भी मैंने देखा इसके अंदर वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ, ये करीब 5% की मजबूती दिखा रहा है. इस शेयर का जरा टेक्निकल पैटर्न देखिए, कल के इवेंट को हिसाब में ध्यान में रखते हुए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं. नहीं देखिए, उसको ध्यान में रखते हुए तो 41 तक की जगह है, पर कितना जल्द कितना प्ले कर पाएंगे, क्योंकि बहुत फास्ट मूव मैं देख रहा हूँ इसके अंदर होता हुआ देखने को मिल रहा है. पर 41 तक की जगह डेफिनेटली इसमें बन रही है. और आज वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हुए जो जनरली देखने को मिलते. पर एक स्टॉक में जरूर ऐड करूंगा जहां पे मुझे लग रहा है एक्शन हो रहा है, वो टाटा एलेक्सी. अनिल जी 5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है और एक अच्छी तेजी के बाद पोलैंड फ्लैग का फॉर्मेशन है, तो ये दोनों ही काफी पॉजिटिव है मुझे लगता है. एक मिनट जी, पोलैंड फ्लैग जी यानी कि एक खंबा है उसके ऊपर झंडा है. बिल्कुल इसका मतलब बिल्कुल, 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 ये क्या होता है भाई साहब? अरे जी इसका मीनिंग मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ. 100 रुपए की चीज 200 हुई और 200 से 180 के बीच में कंसोलिडेट हो गई काफी दिन. अच्छा, इसका मतलब डबल होने के बाद थोड़ा नीचे आया और थोड़ा वक्त बिता दिया और वीकनेस नहीं आई, 180 को नहीं तोड़ा. इसका मतलब ये है कि जिनके पास में इतनी बड़ी पोजीशन है और प्रॉफिट हो रहा है उसके बावजूद भी वो एग्जिट नहीं रहे, तो ये सबसे बड़ा साइन है. और उसके बाद वो 200 रुपया क्रॉस होने की तैयारी हो रहा है, तो इसका मतलब नई तेजी की शुरुआत हो गई है. मुझे लगता है 1280 से 1300 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है और स्टॉप लॉस होगा 1225 के आसपास. और मजे की बात ये ना आशीष जी में ये थोड़ी से है ना मालूम है, ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला मामला है. शुभम जी ने भी साथ साथ में ढूंढा था टाटा एलेक्सी, दोनों बोले टाटा एलेक्सी जब तक उधर बात चल रही थी, लेकिन आशीष जी पहले बोल गए. अब शुभम जी अब आप भी पीछे बन रही है, चाहे तो आप टारगेट बढ़ा सकते हैं. मैं टारगेट बढ़ाऊंगा बिकॉज सेम कंसेप्ट जो उन्होंने बात किया, कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं उसको, उसका जो टारगेट आता है मेरे हिसाब से वो होगा 1325 रुपए तक का. तो खरीदारी करनी चाहिए, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है. स्टॉप लॉस भी मेरा थोड़ा सा नीचे होगा, 1215 का स्टॉप लॉस और 1325 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करें. तो चलिए दो एक्सपर्ट तो बुलिश है, तीसरे हमारी एक और एक्सपर्ट है सिमी भौमिक, वो भी परसों मेरे ख्याल से शुक्रवार के दिन टाटा एलेक्सी बोल के गई थी कि ये बहुत मजबूत दिख रहा है. बीच में रुकूंगा पर आपको बोलता हूँ 790 पे मैं आपके शो पे कई बार ये बोल चुका हूँ कि किसी को कोई स्टॉक जिसको मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ कि लीजिए और नो स्टॉप लॉस, वो टाटा एलेक्सी था. और मैंने तब कहा था 1500 रुपए के टारगेट के अंदर. अब याद आ गया, आपने कहा था कि बिना स्टॉप लॉस के लेना, मैंने बार बार पूछा भी था, मैंने कहा बिना स्टॉप लॉस तो आशीष जी दम लगा के बोले हाँ बिना स्टॉप लॉस. अभी भी बिना स्टॉप लॉस? अरे जी ये तो देखिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, उस समय भी बात की और समय जिस तरह से बढ़ रहा है, आप ये देखिए ये जिस बिजनेस मॉडल में है उसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है. आप खुद तो
हम चाहे भी तो हम ऐसे बिजनेस में खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये कंपनी कर रही है, आपको इनको इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, मुझे लगता है आराम से इस भाव से भी 30-40। शुभम जी, आशीष जी, एक बात बताइए, ये आप इस तरह के मुंह को क्या कहेंगे जो आज वायदा कारोबार के, आप जरा स्कैन करिए आपके चार टॉप गेनर कौन से हैं, रेपको होम जो सबसे पहले आज का पहला स्टॉक हमने जो कवर किया, आईआरबी थोड़ी देर पहले हमने कहा बड़ा ब्रेकआउट, तीसरा सीजी पावर जहां पर पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग मूव, और चौथा एनसीसी जो आशीष जी ढूंढ के लाए। देखिए चार वो स्टॉक हैं जो यहां पर रिकमेंड हुए हैं, और करने वाले कौन है, आप दोनों ही हैं। देख लीजिए आपका कमाल, देखिए ये क्या जबरदस्त। एक और स्टॉक जो सुबह हम आज जिक्र कर रहे थे जहां बड़ी तेजी बनती दिख रही, वो है केपीआईटी। केपीआईटी सुबह हम 250-51 के आसपास बात कर रहे थे कि केपीआईटी तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है। मैं किसको पूछ रहा था, सुबह राजेश जी थे, हाँ, मैंने बोला कि कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं क्या, और उनका कहना था, हाँ राजेश सातपुते बोले थे, भाई अनिल जी ये तो भाग देखो तैयार है, 260, माय गॉड। अनिल जी इस स्टॉक पे भी बहुत बड़े टारगेट्स हम शुरू से, उसका रीजन है इसमें डीमर्जर का प्ले हो रहा है जो आपको पता है, हाँ, हमने पिछली बार बात की थी, और 170 से हम बोल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है जिसकी आप बात करें 2015 के बाद अब निकल रहे हैं ये हाइस, और कंसोलिडेशन रेंज थी 230 से लेके 140, तो ऑलमोस्ट 90 रुपए की रेंज है जो 230 के ऊपर क्रॉस हुई, जो टेक्निकली 310 का टारगेट देती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा मिड कैप आईटी पे मैं काफी बुलिश था, और केपीआईटी तो मेरा काफी फेवरेट रहा है इस पे, पर अब फ्रेश आपको ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस होगा 253 का, इमीडिएट टारगेट 275 के देखने को मिल सकते हैं। माय गॉड, तो बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं डीपी, देख लीजिए आप। सर सारे टारगेट मैं देख रहा हूँ इस समय, एक ना शेयर थोड़ा और देख लेना पड़ेगा ट्रेडिंग के पॉइंट से, वो है जेपी एसोसिएट्स। असल में क्या है, एकदम से टेढ़ा तेज भी हुआ है, इसमें खबर अब ये भी आ रही है कि शायद हो सकता है प्रधानमंत्री उस साइट पे भी जाएं जहां पे एक नया जेवर पे जो एक नया एयरपोर्ट बनाने की बात है, उसको लेकर शायद कुछ खबरें आ सकती हैं मार्केट में, अभी पुख्ता नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है बाजार के अंदर। ये शेयर थोड़ा सा चल रहा है, इस पर एक बार रिकमेंडेशन ली जा सकती है। धर्मेश आपकी रिकमेंडेशन जेपी एसोसिएट्स पर। अवॉइड करना चाहिए, देखिए कंपनी की बैलेंस शीट और सब चीज़ की पोजीशन बहुत ख़राब है, और जो एसेट मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। खबर इसके पीछे आते जाती रहती है और उसमें 10-15% उछाल होता रहता है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो टेक्निकल फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी अच्छा इसमें एडवाइस दे सकते हैं। आई डोंट थिंक फंडामेंटली अभी अब जिस तरीके के सिचुएशन में जेपी सोसाइट फंस गया है कि यहां से निकलना मतलब मुश्किल नहीं नामुमकिन लगता मुझे तो। ओके, तो ये है राय आपके जेपी एसोसिएट पे, तो ठीक है ट्रेडिंग वाला मामला है, आज बनती दिख रही है पोजीशन। लेकिन बाकी स्टॉक जो एक्शन में दिख रहे हैं मुझे, सीमेंट शेयर, शुभम जी सीमेंट में क्या पसंद है, अंबुजा, एसीसी, ग्रासिम या कोई और? सो एसीसी तो पहला पिक डेफिनेटली रहेगा, अगेन कंसेप्ट सेम है जहां पे एक फ्लैग पैटर्न की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, होल एंड फ्लैग बोला उन्होंने, मेरे हिसाब से कंटिन्यूएशन पैटर्न में उसी चीज को बोलता हूँ। तो एक कंसोलिडेशन हुआ, छोटा ही ब्रेकआउट हुआ था, फिर कंसोलिडेशन हुआ और फिर से वहां से स्टॉक निकलना चालू हो गया, तो मुझे लगता है 1650 का हमें टारगेट वहां पे देखने को मिलेगा। दूसरा अंबुजा भी होगा, बट अंबुजा में फ्रेश ट्रेडिंग पोजिशन नहीं बनाना चाहिए, बट अगर कोई होल्ड कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 258 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे भी बने रहे, और एसीसी एक यहां से फ्रेश ट्रेड हो सकता है 1650 के टारगेट। अच्छा, एक स्टॉक है आशीष जी जिसपे ट्रेड नहीं करना है, खाली आपसे ज्ञान लेना है, समझना है कि करना क्या है इसमें और कैसे करना है, और वो है एनआईटी टेक। ये रोज 50 रुपए ऊपर नीचे होता है एनआईटी टेक। हमने शुरू में तो जब ये 1000 के नीचे था हमने कहा कि भाई इसको खरीद लीजिए, फिर 1050 के आसपास, 1030 के आसपास आया तो मैंने कहा कि भाई शॉर्ट सेलर्स विल बी किल्ड, इसको शॉर्ट मत करना, बाकी और कुछ करो, आपसे लिया जाए ले तो लें, ना तो ना लें। आज सुबह भी हमने जिक्र किया इस स्टॉक का, उसके बाद तेज दौड़ लगा के 1187 पहुंचा, उसके बाद 1130 भी आ गया, तो ये मतलब रोज 50 रुपए दिन में ऊपर नीचे होता है क्या जी? जी, और बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका है, ऑलमोस्ट 400 रुपया एचडीएफसी के नंबर आए हैं। आशीष जी एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, एचडीएफसी के नंबर आए अनिल जी, 2850 करोड़ से ऊपर का मुनाफा है जो 2400+ करोड़ का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आएगा, और मुनाफा उम्मीद से बेहतर है, ये बाजार को ऊपर लेके आने में बड़ी हिम्मत रख सकता है, 1.5% ऊपर है, उम्मीद से बेहतर मुनाफा कंपनी ने दिखाया, 2400 करोड़ रुपए का अनुमान था, 2850 करोड़ रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी की फिगर यहाँ पे आई है, और जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं
उसमें एक आय का आंकड़ा भी मैं आपके सामने रख देता हूं और आय के अंदर भी हमको इजाफा देखने को मिला। ये 9000 करोड़ रुपए की आय रही है जो कि पिछली बार करीब 8000 प्लस करोड़ की थी। तो 1000 करोड़ रुपए आय के फ्रंट पे बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी अनुमान से बेहतर, शेयर में करीब 2% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। अभी मार्जिन्स के आंकड़े आए नहीं है लेकिन जो दो आंकड़े हैं दोनों आंकड़ों पे तो ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी के नंबर ठीक हैं और एचडीएफसी के नंबर शायद बाजार को भी थोड़ा खींचेंगे, थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। फिलहाल 2% एचडीएफसी के शेयर में उछाल देखने को मिल रहा है इस नंबर्स के साथ। अनिल जी बिल्कुल इंडेक्स मैनेजमेंट होता रहेगा डिम्पे, आप चिंता मत करिए। सुबह भी हम यही बात कर रहे हैं कि देखिए इंडेक्स गिरेगा नहीं, आपको जो करना है कर लो, स्टॉक में करेक्शन लाना है ले आओ, जो करना है करो। कभी कोई रिलायंस के खराब होने के बावजूद इंडेक्स नहीं गिरेगा, कोई आईटीसी, कोई ऑटो, कोई एचडीएफसी आकर बचाता रहेगा, तो ये तो होगा और होता रहेगा। इसलिए मैं बार बार आशीष जी को बोल रहा हूँ कि आप क्या 10,720 की बात कर रहे हो, मैं आपको 10,750 के ऊपर की क्लोजिंग दिलवाने को तैयार हूँ, और क्या चाहिए। तो क्लोजिंग उस तरफ बढ़ती हुई दिख रही, लेकिन एचडीएफसी माय गुडनेस क्या स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, बेहतरीन, शानदार। हरिहर सर खरीदा जाए अभी इसी वक्त 1885? बिल्कुल, आई थिंक किसी भी वक्त, इसी वक्त क्यों, किसी भी वक्त खरीद सकते हैं। देखिए एचडीएफसी के बारे में दो तीन चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक तो इन्होंने एनपीएस को हिस्टोरिकली वो 1-1.5% के अंदर कंट्रोल में रखा हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं कि इवन एट दिस साइज इनके एसेट साइज ऑलरेडी वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, आज भी वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाने में की क्षमता रखते हैं। तीसरी बहुत बड़ी बात यह है, देखिए इनके पास एचडीएफसी बैंक में एक स्टेक है, एचडीएफसी इंश्योरेंस में स्टेक है और एचडीएफसी एएमसी में स्टेक है। ये सारी जो स्टेक्स के वैल्यू, ये पूरी तरह से अब तक एचडीएफसी के स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज जनरली इंडिया में होल्डिंग कंपनीज वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। मैं मानता हूँ आप इनके सम ऑफ पार्ट्स ऐड करोगे तो एचडीएफसी इज प्रॉबेबली वर्थ एटलीस्ट 2-3 times व्हाट इट इज कोटिंग एट राइट नाउ। तो आज के बाद छोड़िए, मैं तो बोलता हूँ आप कभी भी एचडीएफसी खरीद के मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, एचडीएफसी कभी भी खरीदें, कहीं भी खरीदें, किसी भी भाव में खरीदें, पैसा बनना निश्चित है, बशर्ते कि आपकी ताकत होनी चाहिए इस स्टॉक को रखने की, संभाल कर। आइए एक स्टॉक और ऐसा आशीष जी के रडार पर आया है जो आशीष जी कह रहे हैं तुरंत पैसा बनेगा, इसको ज़्यादा संभाल के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज ही बचे 15-20 मिनट में, और नहीं तो बुधवार तक तो पक्का ट्रेड भी ले सकते हैं। आप इतना क्यों डर रहे हैं मैम, आपने स्टॉक चुना है, बाद में मैं भी तो कुछ बोलूंगा कि क्यों आज ही या फिर परसों तक बन सकता है, पहले आप अपना स्टॉक बता दिए आपने कौन सा चुना है। अनिल जी अरविंद लिमिटेड, आज 4% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है और स्टॉक ने कल एक सेल ऑफ दिखाया था जिसको आज पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है सेलिंग, जो सीजी पावर में जिस तरह का ट्रेंड बना है वही हुआ है। मुझे लगता है 422 के स्टॉप से लेना चाहिए, 435 के टारगेट्स मुझे लगता है अरविंद 1-2 दिन में दिखा सकता है। अच्छा, 1-2 दिन में क्यों दिखा सकता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1-2 दिन का आप बता दें, लेकिन ये स्टॉक क्यों चलेगा वो मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी गाइड किया है कि वो अपने ब्रांड्स को बेचना चाहते हैं, डीमर्ज करना चाहते हैं, डीमर्ज करना चाहते हैं, तो ब्रांड्स अलग हो जाएं, दूसरा कारोबार अलग हो जाए। और सीएलएसए का ये कहना है कि अगर ऐसा होता है तो 509 रुपए का टारगेट है सीएलएसए का, अरविंद लिमिटेड पे 509 का मतलब यहाँ से 20% है सीएलएसए का टारगेट। एक और चीज ऐड करूंगा अनिल जी, पहले भी हमारा इस पर डिस्कशन होता, अरविंद ने आज से 1 साल पहले अपनी एक सब्सिडरी बेचा था जिसका वैल्यूएशन अरविंद का टोटल जो मार्केट कैप है Correct. वो आया था, तो जो रेणुका रामनाथन की जो फर्म है मल्टीपल्स yes. उसको दिया बेचा था। मुझे लगता है ऐसी काफी ब्रांड्स इसके अंदर में है जो इसको सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन रिलेटिंग हो सकती है। मैंने पहले भी कहा था कि इस स्टॉक पर तो हम काफी समय से बात कर रहे हैं, पोजिशनली शायद मैंने आपको कहा कि इसका भाव 3-4 साल में 800 रुपए का हमें देखने को मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म टारगेट्स ट्रेडिंग के लिए अलग होते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग होते हैं। आपके स्टॉक में 3-4 साल लगते नहीं है, 3-4 साल लग जाए तो फिर भाव आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन इनके 3-4 महीने 6 महीने में आ जाते हैं भाव। तो जिस तरह से फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में गहरी पकड़ है आशीष जी के, टेक्सटाइल ब्रांड्स ये आपका पसंदीदा फील्ड है अनिल जी? पहले आपको याद होगा मैंने तब भी कहा था कि आप जो कपड़े लेते हैं, इसलिए याद दिलाता हूँ कि फ्यूचर रिटेल तो मैंने आपके ऊपर कहा था 280 रुपीज का प्राइस था, तब मैंने कहा था कि जब आप जाना शुरू कर देंगे उस दिन उस स्टॉक की रीरेटिंग और शुरू हो जाएगी। तो अब आपका फ्यूचर अरविंद की ब्रांड लेना शुरू कर रहे हैं, तो बस फिर क्या चाहिए और रीरेटिंग के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुभम आपकी क्या राय है अरविंद? मैं बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगा, बीटीएसटी में भी उसके लिए 435 का टारगेट मुझे भी लगता है ड्यूएबल है, और जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो होगा 423 रुपए का। सो शॉर्ट टर्म 2-3 कल तक के लिए या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन और बस उसके लिए ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है। ओके ठीक है,
इस बीच एचडीएफसी के जो नंबर्स है ना उसमें थोड़ा मार्जिन भी एक बार समझना होगा, इसलिए रजत है हमारे साथ। ये कुछ मार्जिन की फिगर, डिविडेंड की फिगर्स भी हमको बता रहे हैं। रजत बताएं इसमें क्या है मार्जिन की पूरी स्टोरी। जी बिल्कुल, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो आय है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। 9,328 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की वर्सेज 8,453, बेहतर आंकड़ा। उसी की वजह से अगर आप ट्रिकल डाउन करें तो काफी बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं। इवन तो प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ गई 180 करोड़ की, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 100 करोड़ के आसपास की प्रोविजन जो है वो एचडीएफसी क्रिएट करेगा। 95 करोड़ से बढ़कर फिगर आई है 180 करोड़, ये हमारे अनुमान से ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आय ही बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थी उसके कारण मुनाफे की फिगर ग्रो होती हुई नजर आई और ये हमारे एस्टिमेट को ही बीट कर गई। 2846 2,846 करोड़ की आय जो है एचडीएफसी ने क्लॉक इन की है क्वार्टर फोर में, ये अनुमान से बेहतर है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2400 करोड़ रुपए की आय। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि 16.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है कंपनी ने और एसेट क्वालिटी अभी भी स्टेबल बनती हुई नजर आई है। तो ठीक है, पहले टेक में देखने में नंबर्स बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और मुनाफे की फिगर हमारे अनुमान से बेहतर निकल के आई है एचडीएफसी लिमिटेड की। ठीक है, शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। ठीक है, भले प्रोविजनिंग थोड़ी बड़ी है लेकिन वो ज्यादा चिंता की बात नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बेहतर है। एक शेयर और देखा जा सकता है अनिल जी, वो है सिमेंस का। देखिए सिमेंस ने पहले कई दिनों से थोड़ा शॉर्ट्स रहा है, उसके बाद इसमें कवरिंग हुई है, अब एक ऐसे लेवल पे आ गए शायद ये भी चल जाए। एक बार आशीष आप देखेंगे सिमेंस इसके अंदर क्या करना चाहिए, 23 रुपए की मजबूती अभी है इसमें। रिजल्ट आ रहे हैं सिमेंस के? यस, सिमेंस के रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट पे नजर रखें, कल रिजल्ट आने वाले हैं। नहीं देखिए, आज ओपन इंटरेस्ट तो कुछ इंडिकेट कर रहा है, 10% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है और 3-4 दिन के हाईस को स्टॉक क्रॉस कर रहा है, तो साइन तो अच्छे हैं और बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है मूवमेंट शुरू हुआ तो 1170 तक की जगह है और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको लेना है जो है उसका मुझे लगता है 1108। सो यहां से मोटा मोटी 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 40 रुपए तक की तेजी सीमेंस के अंदर देखने को मिल सकती है। ओके, तो सीमेंस में तेजी और बन सकती है लेकिन नतीजे हैं तो नतीजों को जरूर आप ध्यान में रखें ताकि ऐसा ना हो कि नतीजों के वक्त आपको कहीं कोई समस्या हो, लेकिन स्टॉक में नतीजों के पहले बेहतरीन खरीदारी आपको नजर आएगी। खबरों के दम पर कुछ और स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में आज आपको दिखेंगे उनमें से देखिए, इंडिया बुल्स ग्रुप के सारे शेयर बहुत तेज दौड़ लगा रहे हैं। आई बुल रियल 8% मजबूत है, आई बुल वेंचर ये तो पता नहीं ये स्टॉक का हो क्या गया, कुछ समझ में नहीं आता। धर्मेश जी आप ट्रैक करते हैं कि आई बुल वेंचर ये है क्या स्टॉक और क्यों भागे जाता है इतना? आज खबर है कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कुछ करने वाले हैं, इस चक्कर में और दौड़ लगा रहा है ये। नहीं अनिल जी, आई बुल वेंचर्स तो आई बुल वेंचर्स तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ ढंग से, बट या इंडिया बुल रियल एस्टेट और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जरूर ट्रैक करते हैं। बताइए उसके बारे में। देखिए इंडिया बुल्स ग्रुप में इंडिया बुल्स रियल स्टेट और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दोनों ही काफ़ी उम्दा मुझे लगती है बाई करने के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और अगर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया बुल्स रियल स्टेट सबसे चीपली वैल्यूड क्वालिटी रियल स्टेट स्टॉक है, एंड टू एंड मैनेजमेंट रहता है यहाँ पे, इनके जो न्यू बॉम्बे में प्रॉपर्टीज आ रहे हैं उनके सेलिंग पॉइंट भी काफ़ी अच्छा रहा और 30-35% का कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको देखने को मिला है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये मेंटेन रहेगा। और सिमिलरली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का है, क्योंकि जो ये घरें बनाती है वो घर को जो बेचने के लिए फाइनेंस चाहिए तो खुद ही प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर को भी फायदा होता है, जो घर खरीदने वाले होते हैं ज़्यादा जगह भागन दौड़ी उनको नहीं करनी होती और एक जगह पर ही सारा उनको रिसोर्सेज मिल जाता है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा इनका मैनेजमेंट रहा है, स्क्रीनिंग कस्टमर का क्लाइंट का काफ़ी अच्छा रहा है, इसलिए एनपीए काफ़ी कंट्रोल में रहे हैं इनके और वहाँ पर कोई समस्या देखने को मिली नहीं। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ज़्यादा इनका कारोबार रहता है, सो वहाँ भी एडवांटेज इनको मिलता रहा है और आगे का जो फोरे इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी उम्दा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों ही स्टॉक में 20-25% के आसपास का आपको रन रेट मिलना चाहिए टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, और सिमिलरली प्राइस स्टॉक प्राइस ट्रैक्शन में भी मिलेगा, तो दोनों बाई के लिए काफी अच्छे कैंडिडेट है। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक जो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च आपने पिछले हफ्ते देखी जिस शेयर में, वो है जीएसएफसी। और जीएसएफसी का स्टॉक देखिए 2.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है, इतना ही ओपन इंटरेस्ट भी जीएसएफसी के काउंटर पर बना है, लगभग 4.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। खबर बता दूं आपको कि फिर से इस वीकेंड पर जीएसएफसी ने अपने प्रोडक्ट कैप्रोलेक्टम की कीमतें 5% से बढ़ाई है, तो ये एक और कीमत में इजाफा, यानी कि कुल मिलाकर हाल ही में इन्होंने 20% दाम बढ़ाएं कैप्रोलेक्टम के, और ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है ये 135 के आसपास वापस से पहुंचा है, कुछ बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं और रिजल्ट या एक्सपायरी तक आशीष जी 150-155 दिखता है।
बिल्कुल देखिए पिछले महीने का हाई ऑलरेडी क्रॉस हो गया का था वो जो ऑलरेडी क्रॉस हो गया 3 रुपया बढ़ गया वहां से पर अच्छा खासा कंसोलिडेट हुआ उसके बाद भी क्रॉस होने के बाद तो ऐसा नहीं कि एकदम शार्प स्थिति का 100 का 200 हो गया उसके बाद कंसोलिडेट हुआ वही ना तो कंसोलिडेट जल्दी सीख जाता हूं तो अनिल जी 142 तक की जगह आराम से इसमें बनती हुई नजर आ रही है स्लो एंड स्टडी ऐसा नहीं कि कोई एकदम फास्ट पर आपको अच्छा पैसा मौजूदा स्तरों से देगा 42 कब तक 2-3 दिन अनिल जी बस और आपको स्टॉप लॉस छोटा है यहाँ से अब आपको सिर्फ 132 रुपए का स्टॉप और आपके जो पड़ोसी हैं शिवम जी वो हमेशा बड़े और बेहतर टारगेट देने के लिए जाने जाते हैं शिवम जी बताइए जीएसएफ से आपकी राय दे अनिल जी यहाँ पे भी मेरा टारगेट बिल्कुल मैच कर रहा है तो मुझे एकदम सेम मैच कर रहा है 141-140 का टारगेट होता है जिसका मतलब 6 रुपए यहाँ से कमाने के लिए फ्यूचर्स में मिलेगा और 132 का टारगेट जो कि बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है 2-3 दिन में मुझे लगता है कि ये मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाना चाहिए बीटीएसटी के लिए लेना चाहिए ना बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट चलिए जीएसएफसी हरिहर सर आपकी राय दीजिए फंडामेंटली जीएसएफसी Oh, I think outstanding stock. In fact, ये हमारे जो एग्री रिवाइवल की बात कर रहे हैं इस पर बहुत ही अच्छा प्ले है और आई थिंक कंपनी ने अपने मार्जिन्स को भी काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है पिछले कुछ दिनों में ऑपरेटिंग मार्जिन पर काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट भी आया है और हमारा मानना है कि यदि आप इंडियन रूरल स्टोरी प्ले करते हैं और क्योंकि यू नो ये वाले खारिफ सीजन से अश्योर्ड MSP आपको 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है तो आई थिंक एक काफ़ी हद तक फार्मर्स को भी इंसेंटिव होगा कि वो फर्टिलाइजर्स पर ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो इसका डायरेक्ट फायदा डेफिनेटली जीएसएफ को मिलेगा ठीक है धर्मेश लेकिन ये आज सुबह सुबह हम पेंट इंडस्ट्रीज में देख रहे थे अच्छा मूव है बर्जर पेंट भी अच्छा चल रहा है कंसाइन एरोला है केशन पेंट सभी के अंदर एक स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है इस पेंट में क्या करना चाहिए ये जो क्रूड का इंपैक्ट है ऑलमोस्ट एडजस्टेड है समझा जाए इस बार के नंबर्स में भी और कंजम्पशन थीम के हिसाब से भी हाँ देखिए जहाँ तक इनपुट प्राइसेस है जो इन्फ्लेशन का है वो हर जगह हर सेक्टर में देखने को मिला चाहे वो सीमेंट का हो पेंट का हो बिल्डिंग मटेरियल्स हो तो ओवरऑल ये इनपुट प्राइसेस का पास ऑन करने में सारी कंपनियां जो है वो कामयाब रही हैं और ब्लेंडेड रियलाइजेशन सबका बढ़ता हुआ नजर में आया है सो सेम विद द पेंट इंडस्ट्री तो पेंट्स में भी बढ़ते हुए हम लोग हाउसिंग को लेकर इतने बुलिश हैं चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को हो या अफोर्डेबल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को हो तो पेंट वहाँ पर यूज़ होता है दोनों ही तरीके से नए घरों में भी यूज़ होता है और वापस आपको रीपेंट जब आप करते हैं घर को नया बनाने के लिए तो वहाँ पर भी यूज़ होता है तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा जरूर स्ट्रेस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है बट वो पूरा मार्केट ही आपको आज के डेट में स्ट्रेस वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से 10-15% का गोइंग इन टू द मानसून सीजन बिकॉज अभी एक यूफोरिया बनेगा कि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो मानसून भी अच्छे होंगे तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी ज्यादा अच्छा आएगा सो दैट इज अ स्लगी सीजन बट दिस इज अ टाइम टू एक्लोमेट पेंट स्टॉक्स अभी से लेकर सितंबर तक एक्लोमेट करें और उसके बाद वाले क्वार्टर में आपको जो काफी बड़ा उछाल मिलता है 20-25% का वहां पर प्रॉफिट बुक करके लिख लें सो मेरे हिसाब से एशियन पेंट बर्जर पेंट एंड ICIL ये तीनों काफी अच्छे भाई हैं ओके और इस बीच 20% लुढ़क चुका है पीसी ज्वेलर का स्टॉक बताने में थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता लेकिन एक के बाद एक लेवल तोड़ता हुआ नजर आ रहा माय गॉड 22% और एक अच्छी बात है कि जब आप अच्छे एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर बैठते हैं तो आपको फटाफट रिसर्च मिल जाती है आशीष जी ने एक रिसर्च निकाली है कि ये वो वॉल्यूम है 2 फरवरी के 2 फरवरी इसी साल का या इसी पिछले वो जब वक्रांगी वाला केस हुआ वाला केस हुआ था और मैं किसी शो पे था 425 रुपए का भाव था तब मैंने कहा था कि ये क्लियर शॉट है और उस दिन वॉल्यूम हुआ था 1.5 करोड़ शेयर का रफली आज आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20-30 लाख शेयर का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है जो कि अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है वो भी बाजार स्टॉक जब अपने मल्टी ईयर लोस के पास ट्रेड कर रहा है मतलब बाजार का बिल्कुल 1% भी भरोसा नहीं है मैनेजमेंट के बायबैक पे इसका मतलब यही हुआ बिल्कुल हरिहर सर क्या करना चाहिए अब बायबैक ऐलान करने के बाद भी स्टॉक 20% नीचे अच्छा 20 नीचे है वो तो ठीक है 210 वाला 140 हो गया अब क्या करें आ...
अनिल जी, मुझे तो हमेशा पीसी ज्वेलर्स थोड़ा एक डूबियस कंपनी लगा करता था, क्योंकि ये जो भी ज्वेलरी कंपनीज है इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही फ्लूइड सा बिजनेस मॉडल होता है और वो पूरा चलता है फंडिंग पे। और जो नीरव मोदी का केस हुआ था उसके बाद आई थिंक इनका फंडिंग लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो आई थिंक विदाउट फंडिंग इन कंपनीज को चलाना बहुत मुश्किल है, तो आई थिंक इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात यह भी है कि हम जानते हैं कि उनके एक मेजर प्रमोटर जो को प्रमोटर थे उन्होंने काफी बड़ा स्टेक बेचा हुआ है और क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं था हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली लोअर सर्किट पर लग रहा है। पर आप दूसरा स्टॉक दिखा था वक्रांगी, सिर्फ फ्रैंकली मैं मानता हूं कि वक्रांगी फंडामेंटली एक अच्छा स्टॉक है, बॉटम कहना मुश्किल है, बट आई वुड बिलीव दैट जो 98-99 के लेवल्स है आपके पास 3-4 साल का पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली आप खरीद कर रख सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, खैर इस बीच मार्केट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो ओवरऑल पोजीशंस तो कुछ हैं, अभी आईटी और बैंक्स के हाथ में ही हैं, अभी करीब 35% शेयर है। एक दो शेयर और देखिए जरा, आज एफएमसीजी के अंदर काफी स्ट्रांग मूव देखने को मिल रहा है, कोलगेट एक है, इसके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, कुछ पेंट वाली कंपनीज है। आशीष, आप कोलगेट तो कई दिनों से ट्रैक कर रहे हैं ना, ये कोलगेट के अंदर क्या करना चाहिए अभी? बहुत बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है इसमें डिम्पी, और ये आपको याद होगा नेस्ले में एक बहुत स्ट्रक्चरल मूव देखने को मिला, ब्रिटानिया में मिला, डाबर पे मैं 2-3 दिन से बात कर रहा हूँ, और अब आप देखिए कोलगेट, मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग पैटर्न है, बहुत स्ट्रांग डिलीवरी वॉल्यूम से आज 5.5% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, कोलगेट जैसा स्टॉक जनरली नहीं दिखाता, और जब ये हो रहा है तो बिल्कुल इसके अंदर तेजी है, और 1110 का एक स्टॉप होगा जो कि बहुत नॉर्मल छोटा एक स्टॉप लॉस है, और ऊपर में मुझे लगता है 1220 तक की तेजी यानी ऑलमोस्ट 90 से 100 रुपये की तेजी मौजूदा स्तरों से मुझे लगता है कोलगेट के अंदर देखने को मिल सकती है। ओके, और इस बीच एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, वो है कि बुधवार को जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें गन्ने पर 55 रुपए प्रति टन सब्सिडी दी जा सकती है, ये प्रस्ताव किया जा सकता है, और ये बड़ी खबर है, सरकार गन्ने पर 55 रुपए प्रति टन की सब्सिडी दे सकती है। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मृत्युंजय बताइए पूरी खबर क्या है, पहले ये बताइए। मृत्युंजय बताइए खबर क्या है? बिल्कुल अनिल जी, इस वक्त की बड़ी खबर है और हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को 55 रुपए प्रति टन यानी 5.5 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी देने का ऐलान सरकार कर सकती है। आपको बता दें कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर करीब 20,000 करोड़ का बकाया है, लिहाजा सरकार की ये कोशिश है कि किसी तरह से किसानों का बकाया भुगतान हो, तो इसी कड़ी में जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि कृषि मंत्रालय ने 55 रुपए प्रति टन सब्सिडी का प्रस्ताव दिया है, और ऐसे में उम्मीद इस बात की है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल सकती है। इसका मतलब साफ ये है अनिल जी, आपको बता दें कि जो FRP है, जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस है, जो केंद्र सरकार गन्ने का तय करती है, उसका भाव 255 रुपए प्रति क्विंटल है, और जो यूपी में गन्ने का प्राइस है वो 325 रुपए प्रति क्विंटल है, और यही वजह है कि यूपी के गन्ना किसानों का ज्यादा बकाया है चीनी मिलों के ऊपर, लिहाजा गन्ना किसानों को राहत देने के लिए फैसला हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुधवार के बाद जब 4 मई को GST काउंसिल की बैठक होगी तो उस बैठक में शुगर के ऊपर सेस लगाने का प्रस्ताव भी आ सकता है, इसका जो सेस के जरिए जो पैसा आएगा उसका भुगतान भी किसानों को किया जाएगा, तो कुल मिलाकर किसानों को बकाया भुगतान की कवायद तेज हो गई है, जिसका इम्पैक्ट साफ तौर पर आज शुगर शेयरों पर, चीनी कंपनियों के शेयरों पर दिख रहा है। अनिल जी ओके, तो ये है शुगर शेयरों को लेकर बड़ी खबर, और अगर 55 रुपए प्रति टन की सब्सिडी मिलेगी तो देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल शुगर शेयर बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, बलरामपुर चीनी पिटावा ऊपरी स्तर से आधा रहा हुआ शेयर, तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो बढ़ेगा ही, और यहां पर थोड़ी तेजी होती हुई दिख रही है, तो पूरी तरह से बलरामपुर चीनी इस खबर के दम पर 11% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, क्या बात है, 17 लाख शेयरों का। ओके, तो ये स्टॉक है इस खबर के दम पर भाग रहा है कि बुधवार को कुछ ना कुछ शुगर शेयर के लिए अच्छा होगा, गिरा भी इसी वजह से कि शुगर शेयरों के लिए आउटलुक खराब होता हुआ दिखा, जब तक बैन में जाता हुआ दिखा, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट तो डेफिनेटली है, और उस लिहाज से तेजी भी बनती हुई दिख रही है इस काउंटर पर, तो यह है इस वक्त का रुझान। एक और स्टॉक जाते जाते मैं कवर करना चाहता हूं, और वो है L&T। दिग्गजों में ऐसा लग रहा है कि बुधवार को अगर जरूरत पड़ी तो L&T ये कह रहा है
कि मैं सारा हूँ आपको सपोर्ट करने, और एचडीएफसी ने तो कर ही दिया, दिया है कि सपोर्ट करने को तैयार है, तो मुझे लगता है यस बिल्कुल सही है कि बहुत से लार्ज कैप नेम से जो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और वो बहुत अच्छा साइन है बाजार। बीटीएसटी एलएनटी बिल्कुल बनता है। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमने अपने क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो में होल्ड करने के लिए भी बोला है, तो 1460 का शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे लगता है पॉसिबल है, जो कि 3 से 4 दिनों में ही देखने को मिल जाएगा, और स्टॉप लॉस रखे 1460 यानी कि 4%। हाँ, 4%। देखिए आज 1400 के ऊपर क्लोज दे रहा है तो बढ़िया मजबूत क्लोजिंग होती दिख रही है। और निफ्टी देखिए न तेरी न मेरी, लेकिन ज्यादा मेरी है बिल्कुल, ज्यादा आपकी, ज्यादा आपकी, क्योंकि 10,720 आपको क्लोजिंग चाहिए था, मेरे को 10,750 चाहिए था, तो मेरे क्लोजिंग के, मेरे लेवल के नजदीक ज्यादा क्लोज हो रहा है। 10,745 है इस वक्त निफ्टी, कोई कंप्लेन तो नहीं है ना? नहीं, बहुत अच्छी क्लोजिंग हो रही है, और मैं जैसे कह रहा हूँ कि लार्ज कैप सपोर्ट कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। एडवांस डिक्लाइन शायद उतना अच्छा नहीं दिख रहा है अनिल जी, बट लार्ज कैप्स का जो सपोर्ट मिल रहा है वो काफी, मैं उसको पॉजिटिवली रीड 10,800 बुधवार बिल्कुल पॉसिबल है। शुभम, मैं तो थोड़ा लंबा टारगेट रखूंगा इस पे बुधवार का, नहीं बुधवार के लिए नहीं, बुधवार के लिए नहीं डेफिनेटली, बट जो पहला टारगेट भी होगा ना वो होगा 10,950 का। 10,950 लवली स्टॉप लॉस 10,600 टारगेट 10,950 बिल्कुल, वाह ये हुई ना बात। चलिए तो 10,950 की तैयारी कर लीजिए, अब तो फिर से वापस 11,000 वाले वो बलून वलून और वो सारी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर करके रखना पड़ेगा। बड़ा आयोजन, चलिए बड़े आयोजन के दिन फिर से आ रहे हैं, और हम तो चाहते हैं कि वो दिन आए और जमकर आए। 10,750 के बेहद नजदीक बंद होने की तैयारी, इससे बढ़िया ट्रेडिंग सेशन हो नहीं सकता बाजारों के लिए, खासतौर से तब जबकि रिलायंस ढीला हो, उसके बावजूद बाजार इतनी मजबूती के साथ बंद होता दिख रहा है। तो चलिए आज फिर से एक रिकॉर्ड क्लोजिंग की तैयारी है। यस बैंक आज का स्टार परफॉर्मर 3.5% की मजबूती के साथ, दो दिनों से हम बार बार कह रहे हैं कि लीवर आईटीसी ये बचाएंगे बाजार को, 2.5% ऊपर लीवर 1500 के पार निकलकर बंद होने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है, और ये है आज का बड़ा एक डेवलपमेंट। रिलायंस भी देखिए, रिलायंस 3% नीचे, एक्सिस बैंक 4% नीचे, यूपीएल नतीजों के बाद 3% नीचे, ये तीन बड़े गिरावट वाले शेयर हैं, लेकिन मजबूत शेयरों ने इन सबको नजरअंदाज किया। एक और बड़ा दिग्गज देखिए, माय गॉड टीसीएस, उफ क्या तेजी होती दिख रही है टीसीएस में, और मजबूती 3500 के पार की क्लोजिंग 2.25% मजबूत, तो मजबूती तो यहां से आ रही है। टीसीएस, लीवर, एसबीआई, एलएनटी देखिए 1400 के पार निकलकर बंद होता हुआ दिखा है, एसबीआई देखिए 1.5% मजबूत है, तो कहां कमजोरी है, किसको कमजोरी दिख रही है, एक आध स्टॉक को छोड़ देता हूं। आइए वायदा कारोबार के शेयर बता दूं कहां पर एक्शन है, 7% मजबूत रेपको होम फाइनेंस बंद होता हुआ दिखा है, जो पहला स्टॉक था आज दिन का जो हमने कहा कि ये स्टॉक भागने को तैयार है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को छूट दी गई कि वो चाहे तो वहां से उधार ले सकते हैं इस खबर के बाद। दूसरा स्टॉक जो तेजी के साथ बंद हुआ है वो है आईआरबी इंफ्रा, 5.5% की मजबूती। बलरामपुर चीनी, अभी हमने आपको खबर बताई कि 55 रुपये प्रति टन सब्सिडी दी जा सकती है शुगर को, ये तेज भागता हुआ। सीजी पावर में शॉर्ट कवरिंग हुई है 5% मजबूत। एनसीसी आशीष चतुर्मुता का पसंदीदा शेयर 5% भागा है। केपीआईटी कमिंस 4% की तेज दौड़ लगाता हुआ, ये एक और स्टॉक है जो मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन क्लोजिंग आज के सेशन की डिम्पी यहाँ पर होती हुई दिख रही है बिल्कुल, और ऐसा ही अनिल जी कुछ कैश सेगमेंट में भी होता हुआ दिखा। आप कैश के शेयर्स देखेंगे ना, शुगर के शेयर्स तो एकदम से लास्ट में चले ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पे और मोमेंटम बना है जरा वो देखिए। आज पेंट के शेयर्स काफी अच्छे चले, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव था। येस बैंक, कोटेक जैसे बैंक आज दोनों अच्छे चले, कोटेक में तो खैर नंबर्स भी आए, नंबर्स का रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। इसके अलावा आज पावर के स्टॉक्स का दिन भी थोड़ा ठीक था, कलपत्रों को सुबह सुबह खबर मिली ऑर्डर को लेकर, तो ये शेयर आज ठीक ठाक बंद होता हुआ दिखा है। इसके अलावा जहां जहां और मोमेंटम देखने को मिला है उसमें आपका कुछ हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनीज भी हैं जहां पे वापस थोड़ी सी तेजी हमको बनती हुई दिखी है। आज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इंडिया बुल्स के सभी शेयर्स ऊपर थे, लॉजिस्टिक में गति ऊपर, लास्ट में चलते चलते विजया बैंक की क्लोजिंग बहुत इंटरेस्टिंग रही, ये शेयर करीब 7% ऊपर। बॉम्बे डाइन पहला शेयर जो आप सुबह आप डिस्कस कर रहे थे, ये शेयर भी ऊपर बंद हुआ है। और आईआरबी के अलावा कार्बोरेंडम एक और शेयर इंजीनियरिंग स्पेस से, ये भी आज के लास्ट में क्लोजिंग सेशन का हीरो बना और ये भी 4% ऊपर जाके बंद होने में कामयाब हुआ। आज का मूव कंस्ट्रक्शन, आईटी, इंफ्रा, इससे जुड़ी हुई कंपनीज का भी काफी बेहतर बनता हुआ दिखा है। ओके, तो ये है आज का मूव, और वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का। हरिहर साहब, धर्मेश कांत जी, आशीष जी और शुभम जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस पर हमारा साथ देने के लिए इस ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन में, जहां पर हफ्ते के पहले दिन दमदार मजबूती दिखी है। लंबे वीकेंड हो, छोटे वीकेंड हो, कोई फर्क पड़ता नहीं, बाजार की रफ्तार बरकरार है। पता नहीं वो लोग कहां गए जो कहते थे आशीष जी सेल इन मैन गो अवे,
है ना, तो या तो ये कि बाइन में स्टे हियर ओनली, तो वैसा हाल है। तो बेहतरीन तेजी होती दिख रही है डिम्पी। चलिए बुधवार को तो मैं फिर से दिल्ली स्टूडियो से शो करूंगा, लेकिन फिलहाल फाइनल ट्रेड में आज के लिए इतना ही।